अंग्रेजों के हाथ बंगाल का लगना मतलब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी उनके हाथ में आ चुकी थी। सिंपल सी बात है, बंगाल पर अधिकार करने के बाद, प्लासी युद्ध जीतने के बाद उनको जब बंगाल पर कब्जा हुआ, उसके बाद जो संधि हुई मीर जाफर के साथ, जिस बेस पर मीर जाफर को गद्दी पकड़ाई गई थी, उन सब के बाद अंग्रेज यहाँ भारत में एक प्रमुख सत्ता के दावेदारों के रूप में के लाइन में खड़े हो गए आके, ठीक है। तो वो अपने आप को सत्ता के दावेदारों की लाइन में खड़ा कर लिए थे। ज्यादा समय नहीं बीता, मीर जाफर को लग भी गया कि भाई अंग्रेजों की जो इच्छा है ना वो पूरी करने में हम असमर्थ हैं, अगर पूरी करते भी हैं तो हम कंगाल बन जाएंगे, और कब तक हम ऐसे करेंगे, कब तक हम इनके इनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे। बुढ़वा मीर जाफर बुजुर्ग हैं थोड़े से, इनके एक दामाद है मीर कासिम, थोड़े से अच्छे खासे कुशल भी व्यक्ति हैं, समझदार हैं, चालाक भी हैं थोड़े से, और कहते हैं कि वो महत्वाकांक्षी भी हैं अच्छे खासी स्थिति में। अंग्रेजों को लगा क्यों ना मीर जाफर को एक बार हटा के अब किसी और को भी लाया जाए, लाने का मतलब था उनके दामाद को ही लाना था, मीर कासिम उनके दामाद थे तो मीर कासिम को लाना था। भाई एक चीज़ हमको ये ध्यान रखना है कि बंगाल में जो नवाबों का क्रम रहा है वो कुछ ऐसे रहा है ना, क्या क्या नाम रहे हैं, मुर्शीद, सुजाउद्दीन, या फिर इसी को सुजाउद्दौला भी बोलते हैं, याद रखना सुजाउद्दौला दो है, एक अवध में भी है एक यहां भी है। सुजाउद्दीन हो गया, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज, सरफराज के बाद जिसको मार के गद्दी पे बैठते हैं अलीवर्दी खां, उसके बाद आते हैं इनके नाती का क्या नाम था, सिराज, मतलब सिराजुद्दौला के बाद आते हैं मीर जाफर आते हैं, जाफर के बाद आते हैं कासिम के बाद फिर से आते हैं जाफर, और जाफर के बाद इनका एक लड़का है, क्या नाम था उसका, जाफर के लड़के का क्या नाम था भाई, ठीक है, मीरन। ये रहा है अवध के नवाबों का क्रम, ठीक है। मीर जाफर को जब ऐसा लग रहा था तो अंग्रेजों को भी समझ में आया भाई दूसरा कोई बैठाया जाए, फिर से हमको बड़ी बड़ी रकम चाहिए, बड़े बड़े उपहार चाहिए, हमको पुरस्कार चाहिए, बस समझे, एक हमें दूसरा हिस्सा भी अब चाहिए, क्षेत्र हमारे क्षेत्र में वृद्धि होनी चाहिए, हमारे क्षेत्र का विस्तार हो। मीर कासिम को इन्होंने चुन लिया, मीर कासिम को जब इन्होंने गद्दी बैठाने का निर्णय लिया तो जाहिर सी बात है जिसको भी बैठाएंगे उससे कुछ न कुछ जरूर मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, कोई न कोई क्षेत्र हथियाएंगे, हासिल करेंगे, है ना, उपहार के रूप में, छीनने के रूप में देखेंगे या फिर संपत्ति, पैसा कौड़ी। जब मीर कासिम गद्दी पे बैठे तो मीर कासिम ने बंगाल का एक बड़ा एरिया उनको सौंप दिया, बात समझे। लेकिन मीर कासिम थोड़े से महत्वाकांक्षी भी थे, भावुक भी रहे होंगे, भावुक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि उनको ये समझ में आ गया हो, अपने जो भारत के जो व्यापारी लोग थे उनको देख के उनको थोड़ा सा ये लग गया हो कि हम बताइए हमारे ही घर के लोग हैं, हमको टैक्स देते हैं, ये विदेशी लोग आके हमको टैक्स नहीं देते हैं, ऐसा करते हैं सबका हम टैक्स ही माफ़ कर देते हैं। उन्होंने ऐसा कुछ किया, उनके मन में लालसा भी उठी कि भाई हम इनसे थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि जब हम यहीं रहेंगे तो ये हमारे सर पर दिन रात तांडव करते रहेंगे, तो चलते हैं कहीं दूर। दूर क्या, कहाँ गए, मुंगेर आ गए। मुंगेर कहाँ है, वर्तमान के बिहार में है भाई, है ना, वर्तमान के बिहार, आज का बिहार। मुंगेर अपनी राजधानी स्थापित की, और राजधानी ही स्थापित नहीं किया बल्कि उन्होंने यूरोपीय तर्ज पर उन्होंने अपना सैनिक गठन, अपने जो असलाह बारूद थे उन सबको भी उन्होंने तैयार करने का निश्चय किया, वहीं पर उन्होंने तोपखाना भी स्थापित करवाया एक। उनको यह पता था कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमें लड़ाई करनी पड़ जाए अंग्रेजों से, लेकिन हो सकता उनको यह ना पता रहा हो कि लड़ाई में हमारे खिलाफ हमारे ससुर जी ही खड़े हो जाएंगे अंग्रेजों का साथ देने के लिए। उनको हो सकता है ये चीज़ ना पता हो, लेकिन उनको ये जरूर पता हो गया रहा होगा कि भाई अंग्रेजों से हमारी भिड़ंत होगी जरूर, क्योंकि अपने मन माफिक काम करने लग गया था जो अंग्रेजों को पसंद भी नहीं था। अंग्रेजों के बराबर भारतीय व्यापारियों को रख दिया मीर कासिम ने, अंग्रेजों को कैसे पसंद आता ये चीज, अंग्रेजों की कमाई का जरिया था,
अपने वो जो फरमान थे उसको वो बेच दिया करते थे, वो कमाई का जरिया था, उसी को उसने समाप्त कर दिया। अब कहाँ से कमाई धमाई होगी किसी की, तो इसलिए अंग्रेज उनको पसंद नहीं किए। सुधारिए हम सबसे कि जो प्लासी का युद्ध हुआ है, प्लासी युद्ध के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। तो हो सकता है उसमें एक स्टेटमेंट ऐसा भी आए कि प्लासी नामक स्थान आज के पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो भागीरथी नदी ही है वो, ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना, न पता चले कि आप सोचे कि भागीरथी यहाँ कैसे आ गई। अगर हम क्लाइव के बारे में बात कर रहे थे, क्लाइव का भी लंबा चौड़ा शासन चलेगा, समय है अच्छा खासा उनके पास। हालांकि मीर जाफर को जल्दी पता चल गया कंपनी उसके अधिकारियों की सारी मांगें पूरी कर पाना असंभव था। अब ये अधिकारी भी अपनी आशाएं पूरी ना कर पाने के कारण नवाब की आलोचना करने लगे। इसलिए उन्होंने अक्टूबर 1760 में मीर जाफर को मजबूर किया कि वह अपने दामाद मीर कासिम के हक में गद्दी छोड़ दे। जब अंग्रेजों को अपना फायदा नजर नहीं आया मीर जाफर से, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला, भैया अब बहुत हुआ, अब आप गद्दी छोड़ें, अपने दामाद को पकड़ा दें, वो सही रहेंगे, थोड़े से आपको रिटायर कर दे रहे हैं, आप बुजुर्ग इंसान भी हैं, रिटायर होने का समय भी आ गया है, ठीक है। मीर कासिम ने अपने आकाओं की इस कृपा के बदले कंपनी को क्या क्या दिया, भाई ये नोट करना जरूरी है, क्या क्या दिया मीर कासिम ने आकाओं को, आका मतलब अंग्रेजों की बात यहां पे हो रही है, उनको दे दिया बर्दवान, बर्दवान दिया, मिदनापुर दे दिया, चटगांव की जमींदारी सौंप दी। इसके अलावा बड़े अंग्रेज अधिकारियों को अच्छे अच्छे उपहार दिए जिनकी कीमत 29 लाख रुपए थी। तो यह भी हमको याद रखना है कि मीर कासिम गद्दी प्राप्त करने के बदले में अंग्रेजों को क्या प्रदान किया। तो सबसे पहले तो उसने दे दिया भाई बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी, साथ ही साथ उसने बड़े जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको अच्छे खासे उपहार भी प्रदान किए। और क्या दिया होगा इन्होंने, फिर भी अंग्रेजों की इच्छाएं नहीं पूरी हो सकी, जल्दी मीर कासिम बंगाल में उनकी स्थिति उनकी चालों के लिए खतरा बन गया। वह एक योग्य है, कुशल भी है, शक्तिशाली भी है। मीर कासिम योग्य था भाई, कुशल है, शक्तिशाली, खुद को विदेशी नियंत्रण से मुक्त करने पर अड़ा हुआ था, है ना। उसने महसूस कर लिया कि अपनी आजादी बनाए रखने के लिए एक भरा हुआ खजाना और एक कुशल सेना की जरूरत है। मीर कासिम को यह जरूरी लग गया, ठीक है, अंग्रेजों से आजादी अगर पानी है तो हमको एक बहुत बड़ा थैला चाहिए जिसमें खूब सारा पैसा रखा हो, और एक अच्छी खासी सेना चाहिए, वेल ट्रेंड सेना हमको चाहिए ताकि हम सामना कर सकें। उसने सार्वजनिक अव्यवस्था को संभालने, राजस्व प्रशासन से क्या क्या काम किए भाई, सार्वजनिक अव्यवस्था को संभाला उसने, राजस्व प्रशासन से भ्रष्टाचार मिटाया उसने, ये सब करके उसने क्या किया, अपनी इनकम बढ़ा ली। इनकम बढ़ाई ही नहीं, बाकी उसके अलावा यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने की कोशिश की। आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, अंग्रेजों की विजय का मूल कारण रहा, भारत में अंग्रेजों की विजय का मूल कारण रहा है उनकी सेना का क्या होना, अनुशासित होना, ठीक है ना, ये बात याद रखना। ये सब अंग्रेजों को पसंद भी नहीं था, उन्हें सबसे ज्यादा नापसंद बात यह आई कि जब नवाब 1717 के फरमान का कंपनी के नौकरों द्वारा दुरुपयोग रोकने की कोशिश कर रहा था, उनको ये बात और भी खराब लग गई। नौकर जो दुरुपयोग कर रहे थे उसको भी क्या किया इसने, रोकने की कोशिश कर दी। 1717 का फरमान क्या था भाई, फरमान तो कंपनी के लिए मिला हुआ था सुरक्षित तौर पे कि भाई आप व्यापार अपना खुल के करो, कोई दिक्कत नहीं, बाह्य व्यापार के लिए छूट थी, कंपनी के लिए थी, किसी व्यक्ति के लिए नहीं थी। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे, उसी फरमान का निजी तौर पर व्यापार के रूप में भी यूज कर लेते थे, आंतरिक व्यापार में भी यूज कर लेते थे, ठीक है। ये चीज ये था 1717 के फरमान का जो दुरुपयोग हो रहा था, इसी को रोकने की कोशिश की, बस समझे। जबकि इन नौकरों की मांग थी कि उनका माल चाहे निर्यात के लिए हो या फिर यहीं उपयोग के लिए, उस पर कोई भी चुंगी न लगाई जाए, नौकर यही चीज चाहते थे, ठीक है। इससे हानि भारतीय व्यापारियों को होती थी क्योंकि उन्हें वे कर भी देने पड़ते जिनसे विदेशी पूरी तरह मुक्त थे। मतलब विदेशी निर्यात करे चाहे उसका उपयोग कर रहे हैं, उन पे उनको टैक्स नहीं देना है, उस पे उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनको उस पर उनसे उस पर कोई टैक्स नहीं लागू किया जाए। अंग्रेजों की डिमांड ये थी, उनके कर्मचारियों की मांग ये थी। इससे नुकसान होता था हमारे यहाँ के जो भारतीय व्यापारी थे, उनको इसलिए नुकसान होता था क्योंकि उनके उन पे डबल खर्चा आ जाता था, जो नहीं वो कर उनको देना पड़ता था जो विदेशी पूरी तरह से नहीं, जो विदेशी नहीं दे पा रहे थे, नहीं दे रहे थे, बात समझे। इसके अलावा कंपनी के नौकर गैर कानूनी ढंग से अपने भारतीय व्यापारी मित्रों को दस्तकें बेच देते थे। दस्तक मतलब पास,
ये लोग पास बेच भी दिया करते थे। ये सब इतना करने के बाद भी, पहली बात तो टैक्स नहीं देते थे, टैक्स चाहे निर्यात का मामला चाहे उपयोग का मामला हो, टैक्स नहीं देते थे, टैक्स पसंद भी नहीं करते थे। ऊपर से जो उनको दस्तकें मिली होती थी उनको वो बेच भी देते थे अपने मित्रों को, जो भारतीय व्यापारी उनके मित्र हुआ करते थे उनको बेच दिया करते थे। डबल लाभ कमा रहे थे, एक तो टैक्स भी नहीं देना है, दूसरा बेच भी देना है। अब जब टैक्स उसको जो अपना दस्तक बेच देते थे, तो दस्तक बेचने से या दस्तक खरीदने से भारतीयों का क्या फायदा था? भारतीय भाई चुंगी देने से बच जाते थे, ठीक है, अंदर के करों के भुगतान से वो बच जाते थे। इन दुरुपयोग के कारण ईमानदार भारतीय व्यापारी बेईमानी से भरी प्रतियोगिता में बर्बाद होने लगे। जो ईमानदार थे वो बेकार होने लगे, उनके पास कोई और चारा ही नहीं था। और नवाब के हाथ से राजस्व एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत भी जाता रहा। साथ ही कंपनी उसके नौकर भारतीय अधिकारियों जमींदारों को उपहार घूस देने के लिए बाध्य भी करते थे। कंपनी और उसके जो नौकर हुआ करते थे वो भारतीय अधिकारी जमींदार को उपहार, भैया उपहार चाहिए, और घूस देने के लिए बाध्य किया करते थे, ठीक है। वो भारतीय दस्तकार किसान व्यापारी को अपना माल अंग्रेजों को सस्ता बेचने और अंग्रेजों का माल महंगा खरीदने के लिए भी मजबूर करते थे। अंग्रेज लोग ये सारे काम भी करते थे। यहाँ जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें अक्सर कोड़े मारे जाते या जेल भेज दिया जाता। हाल ही में एक ब्रिटिश इतिहासकार परसिवल स्पीयर है ने इस काल को खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया। नाम याद रखना, किसने कहा है? इनका नाम है परसिवल स्पीयर। इन्हें में किस काल को कहा है खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग? कौन सी युग को बोला भाई? मीर जाफर को छोड़िए, मीर कासिम के ही दौर को समझिए, ठीक है, के दौर। या फिर समझे प्लासी युद्ध के बाद का जो दौर आया, प्लासी युद्ध के बाद का दौर आया उसको इन्होंने क्या बोला है? निर्लज्जित खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग। वास्तव में अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध बंगाल हो रहा था। मीर कासिम को लगा कि अगर ये बदमाशियां जारी रही तो वह कभी बंगाल को शक्तिशाली नहीं बना सकेगा, ना ही खुद को कंपनी के चंगल से मुक्त कर सकेगा। इसलिए उसने कड़ा कदम उठाया कि आंतरिक व्यापार पर सभी महसूल खत्म कर दिए जाए। उसने क्या कर दिया? आंतरिक व्यापार पर सभी महसूल खत्म कर दिए। महसूल मतलब जितने भी प्रकार के टैक्स वैक्स होते सब खत्म कर दिया। मतलब इस तरह अपनी प्रजा को वो सारी छूटें प्रदान करती जो अंग्रेजों ने बलपूर्वक प्राप्त की थी। सारे महसूल खत्म करने के बाद मीर कासिम ने वो सारी रियायतें हमारे मतलब अपनी प्रजा को भी प्रदान कर दिया जो अंग्रेजों ने छीना था, ठीक है। मगर विदेशी व्यापारी और भारतीय व्यापारियों के बीच समानता हो ये बर्दाश्त करने को अब तैयार नहीं थे। उन्होंने भारतीय व्यापारियों पर दोबारा महसूल लगाए जाने की मांग की। एक और लड़ाई सामने नजर आ रही थी। सच्चाई ये थी कि अब बंगाल के दो स्वामी नहीं हो सकते थे। एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगी, है ना? उधर अंग्रेज अपने आप को मालिक मान रहे हैं, इधर मीर कासिम भी अपने आप को मालिक मान रहा है। बात समझे? अब एक नई लड़ाई सामने नजर आ रही भाई। सच्चाई यह है कि बंगाल में दो स्वामी नहीं रहेंगे। मीर कासिम तो समझता था कि वह एक स्वतंत्र शासक, मगर अंग्रेज मांग कर रहे थे कि वह उनके हाथों की कठपुतली बना रहे, क्योंकि उन्होंने ही उसे गद्दी पर बिठाया था। जाहिर सी बात है, जो आपको कोई चीज पकड़ा रहा है तो कोशिश ही उम्मीद यही रखेगा कि भाई उसी के अनुरूप काम किया जाए। लेकिन मीर कासिम जितने महत्वाकांक्षी अंग्रेज थे उससे कहीं ज्यादा हो सकता महत्वाकांक्षी मीर कासिम रहे हो। ताकतवर तो थे ही, योग्य भी थे, कुशल भी थे, सारी चीजें थी इनके पास, ठीक है। उन्होंने गद्दी पर बिठाया। अनेक लड़ाइयां लड़ी गई। अनेक लड़ाई मीर कासिम 1763 में हरा दिया गया। कई सारी लड़ाइयां हुई हैं 1763 में। 1763 में ही लड़ाई हुई थी। लड़ाइयां कौन कौन सी हैं? कटवा का युद्ध आप लोग ध्यान रखिएगा, कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, उतनावला का युद्ध, उतनावला या फिर उथनावला भी बोलते हैं। ये तीन युद्ध हुए और इस तीन युद्ध में मीर कासिम को हरा दिया गया। 1763 की बात है, याद रखना है। तब वह अवध भाग गया, उस समय वो फिर अवध भाग गया, और उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ समझौता किया। कंपनी की सेना के साथ इन तीन सहयोगियों की मुठभेड़ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में हुई, जिसमें तीनों लोग हार गए, ठीक है। अब यहां पे सवाल आता है कि बक्सर का जो युद्ध हुआ उस समय अंग्रेजी सेना का कमांडर कौन था भाई? मुंद्रो। क्या नाम था? मुंद्रो, हेक्टर मुंद्रो। हाँ, हेक्टर मुंद्रो था अंग्रेजी सेना का कमांडर। लिख सकते हैं आप लोग, अंग्रेजी सेना का कमांडर है हेक्टर मुंद्रो। सामने तीन सेनाएं खड़ी हैं। एक चीज और याद रखना, मीर जाफर भी साथ में खड़ा हुआ है अंग्रेजों के,
ठीक है। सामने तीन सेनाएं, शुजाउद्दौला भी हैं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला जिनका नाम है, मीर कासिम तो है ही, साथ ही साथ मुगल नवाब शाह आलम द्वितीय भी है। ठीक है, तीन संयुक्त सेनाओं को हेक्टर मुनरो की के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने बक्सर के मैदान में परास्त कर दिया। इस बक्सर के मैदान में हुई हार ने अंग्रेजों के विश्वास को और भी मजबूत बनाया। अब उनको हराने वाला कोई नहीं है, उनको यह समझ में आ गया। अभी तक ये जो बंगाल में ही सिमटे हुए घूम रहे थे, अब इनको ये लग रहा था, ये लगने लग गया कि अब हमारा दिल्ली का रास्ता साफ है, अब दिल्ली में हमें कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि इसमें जो जो जिन जिन लोगों से युद्ध लड़ा गया वो एक योग्य कुशल थे। अगर बोले तो ये लोग युद्ध के मैदान के जुझारू व्यक्ति टाइप के थे। जैसे इसमें एक नाम आ रहा है शुजाउद्दौला, अच्छी खासी इनकी स्थिति रही है लड़ाई के मैदान में, लड़ाई के मैदान में समझो कि ये अपना लोहा मनवाते थे, ऐसे व्यक्ति थे। बाद में सबके साथ अपना अपना एक एक करके अलग अलग करके क्या होता है, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है। याद रखना है बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो भले साथ में रहा है, लेकिन इलाहाबाद की संधि हुई है रॉबर्ट क्लाइव के साथ। एक सवाल यह भी आ सकता है कि मीर कासिम बक्सर के मैदान में मारा गया, मीर कासिम भाग गया, या मीर कासिम के साथ समझौता हुआ, कुछ भी ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यह है इसमें कि मीर कासिम बक्सर के मैदान में से भाग गया था, इसलिए इसके साथ कोई समझौता नहीं हो पाया था। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखना, यहां पर कटवा और गिरिया उथनौला तीन युद्ध हम बता रहे हैं, एक घटना है नहीं दिख रहा होगा ना, पटना हत्याकांड मीर कासिम से ही संबंधित है, मीर कासिम से ही संबंधित है। ऐसा बताया जाता है कि कुछ अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना के रखा था, अंग्रेज सैनिकों को अधिकारियों को बंदी बना के रखा था पटना में। ये जब ये तीन युद्ध हारा तो यहां से गुस्सा होकर भागेगा, जाहिर सी बात है। पटना में जिन जिन सैनिकों अधिकारियों को अंग्रेजी सेना अधिकारियों को बंदी बनाया हुआ था उन सबकी हत्या कर दी, बात समझे। ये पटना हत्याकांड आपको पता होना चाहिए कौन है इससे संबंधित। ठीक है, भारतीय इतिहास सबसे निर्णायक युद्ध था क्योंकि इसने दो बड़ी भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना पर अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी थी। सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है ये बक्सर का युद्ध, इसलिए क्योंकि दो बड़ी शक्तियां थी भारत की, इनकी संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हराया था, अपनी श्रेष्ठता को साबित किया। इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया, बंगाल बिहार उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया। अवध भी उनकी दया का मोहताज हो गया। इसी बीच 1765 में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर लौट आया। उसने बंगाल में सत्ता पाने, शासन के सारे अधिकार नवाब से छीनकर कंपनी को दिलाने का यह अवसर न चूकने का फैसला किया। मतलब समझ गया कि अब कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना भाई, अब सीधे सीधे काम है कि सब कुछ हमारे हाथ में रहेगा, बात समझे। ये कौन है, ये है शुजाउद्दौला। ठीक है, नवाब शुजाउद्दौला है ये। सत्रह सौ तिरसठ में मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया था। कंपनी उसके अधिकारियों के लिए बड़ी बड़ी रकमें ली थी। मीर जाफर के मरने पर उन्होंने उसके दूसरे बेटे निजामुद्दौला को गद्दी पर बिठाया। बदले में उसने 20 फरवरी 1765 को संधि की। संधि कौन सी की होगी भाई, 20 फरवरी 1765 को एक नई संधि पर हस्ताक्षर हुआ। किसके किसके बीच में हुआ, निजामुद्दौला के बीच और अंग्रेजों के बीच। इस संधि के अनुसार नवाब को अपनी सेना अधिकांश सेना भंग कर देना था। ये जो क्या बोलते हैं संधि हुई थी, इसमें नवाब को अपनी सेना को भंग करना था, बंगाल का शासन एक नवाब नायब सूबेदार के सहारे चलाना था जिसकी नियुक्ति कंपनी करती, एक ऐसे नायब सूबेदार बनाने थे जिसकी नियुक्ति कंपनी को ही करना था, जिसे कंपनी की स्वीकृति के बिना हटाया भी नहीं जा सकता था। इस तरह कंपनी ने बंगाल के प्रशासन मतलब निजामत पर पूरा अधिकार जमा लिया। प्रशासन का मतलब हुआ यहाँ पे निजामत, ये बात याद रखना है। कंपनी की बंगाल काउंसिल के सदस्यों ने एक बार फिर नए नवाब से लगभग 15 लाख रुपए झटक लिए। शाह आलम द्वितीय अभी भी साम्राज्य का नाम मात्र का प्रमुख था, उसे कंपनी ने बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। 1765 जो बक्सर 1764 हुआ है उसके बाद की बात है,
ठीक है, शाह आलम से बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई, राजा ससुलने का काम मिल गया, दीवानी मतलब राजा ससुलने का काम है, मतलब बंगाल के ऊपर उसके नियंत्रण को कानूनी मान्यता मिल गई है। बंगाल पर अंग्रेजों को नियंत्रण रखने के लिए कानूनी मान्यता तब मिलती है जब शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी जाती है। इस सबसे समृद्ध भारतीय प्रांत का पूरा राजस्व उसके हाथ में आ गया। बदले में कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को क्या दिया, ये पूछा गया पेपर में, 26 लाख रुपए और कोरा, कोरा मतलब कड़ा की बात हो रही है, कड़ा और इलाहाबाद जिले भी जीतकर दे दिए। किससे जीत कर दिए भाई, अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मुगल बादशाह को दे दिया गया। सम्राट 6 साल तक इलाहाबाद के किले में अंग्रेजों का लगभग कैदी ही बनके रह गया भाई, पेंशन याफ्ता बनके रह गया था। मतलब क्या है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला को भी लड़ाई के हरजाने के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए देने पड़ गए। सुजाउद्दौला कितना दिए, 50 लाख रुपए हरजाना दिए। इसके अलावा दोनों ने संधि पर हस्ताक्षर किए, इसके अनुसार अगर नवाब बाहरी हमला होता है, नवाब पर बाहरी हमला होता तो कंपनी उसकी सहायता करती। शर्त सिर्फ ये थी कि नवाब को अपनी सहायता के लिए भेजी गई सेना के बदले में कंपनी को धन देना पड़ता। इस समझौते के द्वारा अवध का नवाब भी कंपनी का आश्रित बनकर रह गया। ठीक है, क्लाइव इतनी देर से पढ़ रहा है तो क्लाइव के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए। क्लाइव के समय में कुछ घटनाएं हुई हैं, वो जो कुछ घटनाएं रही हैं क्लाइव के समय की, क्लाइव के समय की घटना, प्लासी का युद्ध, ठीक है, याद रखना जरूरी है। इसके अलावा आप देखेंगे क्लाइव कब से कब तक रहा है, कर्नवालिस के समय में इनका जो समय आता है 1757 से 60 और फिर आता है 1765 से 67 के बीच में, ये इनका कार्यकाल है। दो बार भारत में आते हैं, एक बात ये याद रखना आपको। इनके समय में जो घटना हुई है, एक तो घटना हुई है श्वेत विद्रोह हुआ था अंग्रेज सैनिकों का श्वेत विद्रोह था। इसके अलावा देखेंगे इसने एक लुटेरा राज्य की स्थापना की थी, लुटेरा राज्य की स्थापना की, हमने आपको पहले ही बताया है। इसके समय में बहुत सारे उपहार, ऊंची ऊंची अच्छी अच्छी खाली मतलब पैसे कौड़ी का लेन देन होता था, गिफ्ट उफ्ट खूब लिए लेन देन किए जाते थे, एकदम क्या बोलते थे उसको, चोरी नहीं बोलते उसको, जैसे एक तो ये हो गया गिफ्ट वाला उपहार वाला मामला था, दूसरा ये था घूसखोरी वाला मामला, भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंचा। ये क्लाइव के समय की बात है। ठीक है, इन्होंने एक लुटेरा राज्य की स्थापना की, तो इन्होंने ही इस समय बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत भी इन्होंने ही कर रखी थी, उसमें अच्छी खासी लूटपाट मचाई इन लोगों ने। एक और था इनके यहाँ, इनके बारे में एक चीज़ कही जाती है, इनको क्या कहा जाता है, क्लाइव को कहा जाता है स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल। इसके बारे में ये शब्द बहुत प्रसिद्ध रहा, स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल। और ये बात किसने कही, पिट मतलब विलियम पिट, जो कि बाद में ब्रिटेन, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री भी बनते हैं, उन्होंने ही ये बात बोली थी इसे, स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल। ठीक है, अब बात करेंगे, क्योंकि बक्सर का युद्ध हमने समाप्त कर रखा है, बक्सर के युद्ध में दो संधियां होती हैं, है ना, लेकिन याद रखना बक्सर की लड़ाई होने से पहले मीर कासिम और मुनरो मतलब ब्रिटिश सेना के बीच में तीन युद्ध होते हैं। 1763 में तीन युद्ध लड़े गए, 1763 में तीन युद्ध कौन कौन से लड़े गए, कटवा, गिरिया और उतनावला या फिर उथनावला, ये तीन युद्ध लड़े गए। इन तीनों युद्धों में हार हुई मीर कासिम की, मीर कासिम ही तो था, हाँ है ना भाई, सर नहीं दिख रहा है मतलब, ठीक है, कटवा गिरिया और इसका उथनौला का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या होता है, तीनों में मीर कासिम की हार होती है। मीर कासिम इस हार से चिढ़कर, एक बात बोलें कि जैसे कोई व्यक्ति होता है उस बात से उसको बहुत खिन्न हो जाए, गुस्से में आ जाए, चिड़चिड़ा हो जाए किसी चीज़ को लेकर, वो इतना चिड़चिड़ा हो गया था, इतना गुस्से में आ गया था, जैसे दांत वांत पीस लिया होगा, तीन युद्ध हार गया है, अरे हमको हरा दिया, हम तीन बार हार गए, तीन बार गिरे, आज बताते हैं, आज रुको, ऐसे किया होगा। फिर भाग के उसको ध्यान आया होगा कि पटना में हम कुछ लोगों को बंदी बनाए हुए अंग्रेजन को, और तुरंत भागा वहां से, और भाग के आया पटना में, कर दिया सभी अंग्रेजों की हत्या, अंग्रेज अधिकारी और सैनिक सब लोग थे उसमें, उनकी हत्या कर दी उसने, पटना हत्याकांड,
पटना हत्याकांड से संबंधित व्यक्ति का नाम है मीर कासिम। बक्सर का युद्ध होता है, तीन सेनाएं सामने होती हैं, हेक्टर मुंडो एक तरफ दूसरी तरफ होते हैं, तीन बड़े बड़े, दो तो बड़ी सेना है, एक मुगल साम्राज्य की सेना है जिसका नेतृत्व कर रहा शाह आलम द्वितीय, जो कभी दिल्ली का चेहरा तक नहीं देख पाया, एक वो शासक है मुगल बादशाह, दूसरा है अवध का नवाब शुजाउद्दौला जो युद्ध क्षेत्र का माहिर व्यक्ति है, एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, वो हार गया, मात खा गया है बक्सर के मैदान में। हेक्टर मुंडो की सेना ने जब इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित किया तो उस समय क्या हुआ, अंग्रेजों की श्रेष्ठता पूर्ण रूप से साबित हो गई, क्योंकि अभी तक हम सब प्लासी के युद्ध में पढ़ते षड्यंत्र वाला, षड्यंत्र किया इन लोगों ने, षड्यंत्र से ये लोग जीते थे युद्ध, बक्सर में इन्होंने षड्यंत्र नहीं किया था, बक्सर में इन्होंने लड़ा था अच्छे से, और लड़ाई करने के बाद ये क्या हुए, विजेता घोषित हुए, श्रेष्ठ साबित हो गए भैया, इनको पता चल गया अब हमारे पास कोई हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है, अब हमें जो महत्वाकांक्षा थोड़ी सी बढ़ी थी बंगाल पर अधिकार करने के बाद, वो महत्वाकांक्षा बक्सर के मैदान ने इनकी बढ़ा के रख दी, भारत पर शासन करने की जो महत्वाकांक्षा इनकी प्रबल हो चुकी है, बारी बारी से बैठ के अब संधि भी करने वाला है, सबसे करेगा संधि एक एक से, लेकिन याद रखना मीर कासिम से संधि नहीं होती है, ना मीर कासिम मारा जाता है, मीर कासिम क्या करता है भाई, मीर कासिम भाग जाता है, तो वो मैदान छोड़ के भाग गया था। दो संधियां होती हैं इलाहाबाद की, इलाहाबाद संधि, वो छोटा दिख रहा है क्या, अरे इलाहाबाद की संधि होती भाई, दो संधियां होंगी, 1765 का समय है, इस समय अंग्रेज का नेतृत्व करता कौन बन रहा है, क्लाइव, क्लाइव बन रहा भाई, क्लाइव के साथ संधि हो रही, क्लाइव संधि का मेन व्यक्ति है, दो लोगों से संधि करेगा, एक संधि हो रही है, पहली संधि होगी 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1765 को पहली संधि होगी, पहली संधि किसके साथ हो रही है, शाह आलम द्वितीय के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ जो संधि हुई इसमें क्या किया गया, बंगाल बिहार और उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा दीवानी मिल गई भाई अंग्रेजों को, राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया एक प्रकार से, मतलब पूरा इसी क्षेत्र पे कब्जा हो गया, मुगल साम्राज्य मुगल शासक से क्या हुआ इनको, वो मिल गया क्या बोलते हैं उसको, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मिल गया है, अब इस क्षेत्र में तुम्हारा कोई नहीं है, तुम चिंता मत करो, ये हो गया। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा कड़ा और मानिकपुर, कड़ा और मानिकपुर किससे लिया, अवध से, अवध से लेकर कड़ा और मानिकपुर शाह आलम द्वितीय को पकड़ा दिया गया। रही दूसरी संधि की बात, दूसरी संधि जब होगी तो क्या होने वाला है दूसरी संधि में, इस पे तो दिखबे नहीं करेगा, इस पे दिख रहा है नहीं दिखता उतना अच्छे से, इस पे दिखते हैं इलाहाबाद की संधि 1765 दूसरी संधि, दूसरी संधि कब होने वाली है, 16 अगस्त को, ठीक है 16 अगस्त 1765 को किसके साथ होने वाली भाई, अवध के नवाब के साथ होगी अब संधि, ये वाली संधि हो रही है अवध के नवाब, नवाब का नाम आपको पता होना चाहिए, नाम है शुजाउद्दौला, उससे संधि हो रही है। इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहला काम तो ये रहा कि नवाब से 50 लाख रुपया हरजाना लिया गया, 50 लाख रुपया हरजाना लगाया गया इन पे कि भैया युद्ध क्षति हुई है हमको पैसा दो, है ना 50 लाख रुपया ये हरजाना लग गया। फिर चुनार का किला ले लिया गया इनसे, चुनार का किला ले लिया गया, चुनार का किला शेर शाह सूरी को दहेज में मिला था, वहां चुनार के किले का जो मालिक था मतलब राजा था वो मेरे ख्याल से मर गया था या लड़ाई में मारा गया था, उसके मरने के बाद उसकी विधवा पत्नी से उसने शादी कर ली थी, और चुनार के किले पर ही घेरा डाला था किसने, हुमायूं ने महीनों तक घेरा डाल रखा था, आप लोगों को पता होना चाहिए वो चुनार का किला। तो भैया इनको चुनार का किला मिल गया, चुनार का किला मिला, चुनार के किला के अलावा और क्या क्या दिया गया इनको, वाराणसी, वाराणसी और गाजीपुर,
क्षेत्र भी, वाराणसी और गाजीपुर का क्षेत्र भी क्या हुआ, अंग्रेजों को मिला। लेकिन अंग्रेज डायरेक्टली तौर पर प्रत्यक्ष रूप से इन दोनों क्षेत्रों पर अपना कब्जा नहीं जमाए। वो लोग क्या किए, उन्होंने यहां पर एक नाम है राजा बलवंत सिंह, राजा बलवंत सिंह का नाम यहां से जुड़ जाता है। थोड़ा सा नाम इनका याद रखना भाई, राजा बलवंत सिंह है ये। इन्हीं राजा बलवंत सिंह के संरक्षण में, राजा बलवंत सिंह अंग्रेजी संरक्षण में रहे और इन्हीं राजा बलवंत सिंह को वाराणसी और गाजीपुर का क्या दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, लास्ट में 1765 में ही मीर जाफर की मृत्यु होती है। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु होने के बाद उनका बच्चा बनता है नवाब, अवध बंगाल का नवाब बनता है, नाम है नजमुद्दौला। आपको ये पता होना चाहिए, एक चीज याद रखना विशेष रूप से, विशेष मतलब जैसे नोट करके लिखते हैं हम लोग ना, नोट करके, तो एक विशेष चीज है कुछ, क्या विशेष है इसमें, चलो। बक्सर युद्ध से पहले जब एलिस महोदय को पटना पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था, एलिस महोदय है, बक्सर युद्ध से पहले जब एलिस को पटना पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था, तब मीर कासिम ने अंग्रेजी सेना को बंदी बनाकर पटना को प्राप्त कर लिया। बस समझे, ठीक है। फिर क्या हुआ, दूसरी ओर बंदी बना लिया पटना में सबको, और पटना सर, एक बार शुरू से सर। बक्सर युद्ध से पहले जब एलिस महोदय को पटना पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था, तो मीर कासिम ने अंग्रेजी सेना को बंदी बनाकर पटना पर अधिकार कर लिया। दूसरी तरफ जब एडम्स की सेना मुर्शिदाबाद की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी रास्ते में, समय याद रखना कब का है ये, रास्ते में मीर कासिम के साथ ये वाले तीन युद्ध, कटवा गिरिया उथनौला का युद्ध हुआ। मीर कासिम पराजित हुआ। पराजय से मीर कासिम गुस्सा होकर पटना पहुंचा और बंदी बनाए गए सभी कैदियों की हत्या करवा दी। जिसे पटना हत्या कांड कहा जाता है। ओके, ठीक है। देखिए, बक्सर युद्ध हमने पढ़ लिया। बक्सर युद्ध में जो भी प्रश्न पूछे जाए, ऐसे भी पूछा जा सकता है, बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में अजेय साबित कर दिया था, स्पष्ट कीजिए। एक अनुभवी सेना का सरदार जो युद्ध क्षेत्र का मालिक है, बेताज बादशाह है युद्ध क्षेत्र का, उसकी सेना को पराजित कर देना मामूली बात नहीं है। शुजाउद्दौला जो कभी हार का सामना ही नहीं किया है, वो हार गया बक्सर के मैदान में, कूटनीतिक व्यक्ति है। प्रश्न हो सकते हैं, जैसे प्लासी का युद्ध तो सिर्फ विश्वासघात का परिणाम था, लेकिन बक्सर युद्ध तो अंग्रेजी सेना के अनुभव का परिणाम था, स्पष्ट कीजिए। आराम से 250 शब्द, 150 शब्द, 400 शब्द लिखा जा सकता है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है ना। ऐसे और भी प्रश्न आपको मिलेंगे, जैसे राजनीति के साथ युद्ध कला के अनुभवी और योग्य शासक से बक्सर की जीत अंग्रेजों को भारत में नीति निर्धारक के रूप में स्थापित कर दिया था, स्पष्ट करें। योग्य भी हैं, अनुभवी भी हैं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। एक और प्रश्न है बक्सर से ही संबंधित है, चाहे इसे देशी व विदेशी के मध्य द्वंद्व युद्ध समझें या फिर सारगर्भित घटना जिसके परिणाम स्थायी और विशाल थे, बक्सर को सबसे निर्णायक युद्धों में गिना जाएगा।
इस कथन की पुष्टि करें। एक प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, एक प्रश्न और हो सकता है कि प्लासी के युद्ध ने जहां बंगाल पर अंग्रेजों की पकड़ को मजबूत किया था, वहीं बक्सर के युद्ध ने भारत के भविष्य को निर्धारित कर दिया। स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये जो अभी हमने पढ़े ना, ऐसे प्लासी के युद्ध में भी हमने प्रश्न दे रखे हैं आप लोगों को, आप लोग वो वाला नोट्स अभी देखे नहीं है। प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं षड्यंत्र था, यह प्रश्न आया हुआ है फिलहाल। प्लासी के युद्ध का जो तात्कालिक और स्थायी परिणाम प्राप्त हुआ वह किसी और युद्ध में नहीं प्राप्त हुआ था, ये एक प्लासी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है, प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठ मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों में बेच दिया था। सभी में प्लासी का युद्ध बताना ही है, लेकिन किस बेस पे बताना वो ध्यान रखना है, बताना सब में प्लासी का युद्ध है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बिना किसी सैनिक योग्यता का प्रदर्शन किए राजनीतिक षड्यंत्र और विश्वासघात के बल पर जीत लिया था। स्पष्ट कीजिए। प्लासी के युद्ध ने बंगाल को कठपुतली नवाबों को प्लासी के युद्ध ने बंगाल को कठपुतली नवाबों को जन्म दिया, जिससे बंगाल के संसाधनों का विदोहन करने के लिए कंपनी एकमात्र मालिक बन गई थी। स्पष्ट कीजिए। कठपुतली नवाब मीर जाफर, मीर कासिम बात नहीं मान रहा था तो फिर से मीर जाफर को बिठाया, फिर मीर जाफर मरा तो उसका बच्चा आ गया, बच्चा जो बच्चा ही था पूरी तरह से, जिसको बाद में ऐसे उंगली पकड़ा, बोला ऐसे कान पकड़ के बोला, ए भाई उठो चलो तुम, हम हो गया, जाओ तुम सो जाओ, अब हम संभाल लेंगे सारा कारोबार। अंग्रेजों ने नजमुद्दौला के साथ ये काम किया होगा, कान पकड़ के उठा दिया होगा, ए चलो गद्दी गद्दी छोड़ो उठो अब हम संभालेंगे, आ गए हम। ठीक है, एक और प्रश्न इसी में है, मुगल साम्राज्य के सबसे समृद्ध प्रांतों में से एक बंगाल को मालूम नहीं किसकी नजर लग गई कि यहां षड्यंत्रों का घर बन गया था। स्पष्ट कीजिए। समृद्ध प्रांत था मुगल साम्राज्य का, सबसे समृद्ध प्रांत माना जाता है, फिर भी बंगाल अकाल से पीड़ित रहा हमेशा अंग्रेजों के शासनकाल में, उससे पहले नहीं था। और बंगाल, अगर समृद्ध बंगाल अगर ये ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अगर वो अकाल से पीड़ित हुआ तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नीतियों का कारण रहा है, अंग्रेजों की नीतियां ही उसके लिए जिम्मेदार रही हैं हमेशा से। ठीक है, तो ये आपका बक्सर वाला युद्ध हो चुका है। ठीक है, चलिए, बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था, दोहरी व्यवस्था क्या थी भाई? एक चीज और याद रखना, अब बक्सर के युद्ध के बाद दो उपदीवान बनाए गए, दो उपदीवान कौन कौन बनाए गए भाई? राजा सिताब रॉय, मोहम्मद रजा और सिताब रॉय। हाँ, मोहम्मद रजा खान और सिताब राय बने, दो उपदीवान बने मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान को कहाँ का बनाया गया? बंगाल का उपदीवान बनाया गया, और बिहार का उपदीवान बनाया गया राजा सिताब राय को, इनको बंगाल का बनाया गया। और दूसरे कौन बने? राजा सिताब राय, इनको बनाया गया बिहार का। ठीक है ना, ये ध्यान। 1765 में सिलहट की दीवानी मिली, बर्मा का युद्ध हुआ, बर्मा के युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया गारो पहाड़ी क्षेत्र से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण करना था। सिलहट की दीवानी प्राप्त हुई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट नाम है इनका भी, स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया और गारो पहाड़ी क्षेत्र से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जाने लगा जिसके विरोध में खासी जनजाति ने तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। नहीं है, क्रम से हमको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अच्छा,
हमने आपको सारे युद्ध तो बता ही दिए हैं टाइम टू टाइम, नहीं चल तो ये हमें इतने याद रखने। बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था, यहां से देखा जाएगा बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था क्या थी। 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई थी। कंपनी की सेना का बंगाल पर एक छत्र नियंत्रण स्थापित हो गया। भाई बक्सर के युद्ध ने ये काम दे दिया इसको, इस बात का पूरा उनको वो मिल गया। अब भैया कोई दिक्कत नहीं है, आराम है। कंपनी की सेना का बंगाल पर एक छत्र नियंत्रण स्थापित हुआ। राजनीति की संपूर्ण शक्ति इसके हाथ में आ चुकी थी। अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए नवाब कंपनी पर पूरी तरह आश्रित हो गया। आंतरिक और बाह्य जितने भी मामले होते थे सारे के सारे मामलों पर अब आश्रित हो गया नवाब कंपनी के ऊपर। नवाब कौन है इस समय? नवाब है नजमुद्दौला, छोटा सा बच्चा। दीवान के रूप में कंपनी सीधे ही स्वयं राजस्व वसूल करने लगी। कंपनी को अपना उप सूबेदार नामांकित करने का अधिकार मिल गया। उप सूबेदार अभी हमने बताया, दो उप सूबेदार बनाए गए, राजा सिताब राय और मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान जो कि बंगाल में बने उप दीवान, और राजा सिताब राय बनाए गए बिहार में उप दीवान। बाद में उनपे मुकदमा भी चलाया जाता है, ये बात भी हमको पता होनी चाहिए। इस तरह कंपनी का निजामत मतलब पुलिस और न्यायिक शक्ति पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पुलिस और न्यायिक दोनों शक्तियों पर सरकार का मतलब कंपनी का पूरा नियंत्रण स्थापित हुआ। इतिहास में इस व्यवस्था को हम बोलते हैं द्वैध सरकार या दोहरी सरकार बोलते हैं। यह व्यवस्था अंग्रेजों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई, मतलब कंपनी का सत्ता पर पूरा अधिकार हो गया जबकि उनके ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी। मतलब ये अगर कहें तो नॉर्मल से हम ये कह सकते हैं कि बंगाल पर इनको अधिकार तो पूरे के पूरे मिल गए थे लेकिन किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी, गैर जिम्मेदाराना पूर्ण अधिकार प्राप्त हुए थे इनको, है ना। वो सारे अधिकार मिले थे जिसके पीछे किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी इनके ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखना दोहरी सरकार आ गई भाई, कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारे अधिकार मिल चुके हैं इनको। प्रशासन का दायित्व तो नवाब और उसके पदाधिकारियों पर था, हालांकि इनका निर्वाह करने की शक्ति उनके पास नहीं रही। प्रशासन का पूरा दायित्व तो किसको दिया गया? नवाब उसके पदाधिकारी को। लेकिन अंग्रेज जो थे मतलब इनको किसी प्रकार की शक्ति नहीं मिली। अंग्रेज बंगाल में सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करने से डरते भी बहुत थे, आप लोगों की बात पता होनी चाहिए। वो प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने से डरते थे और इसलिए डरते थे क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो कहीं दूर दराज के लोग हैं, उनके लिए उनकी जो सोच है ना वो अच्छी नहीं है अंग्रेजों के लिए। तो वो नहीं चाहते थे कि अभी हम उठ के खड़े हुए हैं कि हमारा पंख है वो कट जाए तुरंत के तुरंत, वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई भारत का मिल जाए व्यक्ति, उसको हम एक बैठा दे चेहरा वहरा दिखाने के लिए, भैया देखो तुम्हारे प्रधान जी यही हैं, तुम्हारे मुखिया यही हैं, तुम्हारे सरपंच यही हैं, तुम्हारे नवाब यही हैं, तुम्हारे राजा भी यही हैं, तुम्हारा सब कुछ यही है, चिंता मत करो, हम लोग तो खाली नौकर टाइप काम करेंगे बस। इसीलिए उन्होंने नवाब की गद्दी नहीं पकड़ी अपने लिए, नवाब की गद्दी नवाब के लिए ही छोड़ रखी थी। बाकी पैसा वसूली का काम, जितना कुछ पैसा कौड़ी वाला मामला था वो सारा का सारा मामला उन्होंने अपने पास रख लिया। अब इसके पीछे चाल क्या थी, क्या करते थे? इनका मानना यह था कि पैसा कौड़ी का मामला सब हमारे पास रहेगा, सब पैसा हमारे पास जमा रहेगा, नवाब को दे देंगे गद्दी, जनता देखेगी हमारे नवाब बैठे हैं, जनता संतुष्ट रहेगी। लेकिन धीरे धीरे अकाल बढ़ेगा क्योंकि पैसा वसूली में हम कमी नहीं करने वाले हैं, शासन प्रशासन मजबूत रखेंगे, जो मिला गलती से उसको दे दनादन पहले पीट देंगे सही से, है चार डंडा सुबह चार डंडा शाम देते रहेंगे बराबर से, खाना पीना वो भी नहीं देंगे बराबर से, काम करवाएंगे दबा के जानवर जैसा काम, 24 घंटा 18 घंटा काम, 6 घंटा सही, सोने भी नहीं देंगे हम, ऐसा कराएंगे इनके साथ। नवाब तो बैठा हुआ है, नवाब से सब संतुष्ट है, नवाब हमारा है अब। लेकिन धीरे 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 वही जनता जब ये जान जाएगी कि हम तो परेशान हो रहे हैं, हमारा नवाब क्या कर रहा है, हमारा नवाब तो अपनी गद्दी पे बैठा हुआ है, अच्छा आराम से सो रहा है, तो जनता क्या करेगी भाई, नवाब के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उतारू हो जाएगी, विद्रोह करने के लिए उतावली हो जाएगी, तो अंग्रेजों को भी मौका मिल जाएगा नवाब को गद्दी से उतार कर फेंकने में। नवाब को गद्दी से उतार कर फेंकने का मौका मिल जाएगा ना, जब जनता बोल देगी हमारा नवाब हमारे काबिल नहीं रहा, हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता, हमारी सेवा नहीं कर सकता, हमको खाना नहीं दे सकता, इसके राज में हम भूखे मर रहे हैं, तो अंग्रेज क्या करेगा? अच्छा ठीक है हम संभालेंगे तुम्हारा शासन प्रशासन, हम देखते हैं हमारे राज में रहो तुम लोग, हम तुम्हें खाना दाना सब कुछ देंगे, नौकरी चाकरी सब देंगे, सुरक्षा भी देंगे, अंग्रेज यही चाहते हैं। फिर जनता में विद्रोह भड़का, नवाब को उतार के फेंक दिया गया गद्दी से, भैया तुम हटो हम संभालेंगे अब, बात समझे ना, ये नीति थी अंग्रेजों की। एक क्रम बताओ, बक्सर का युद्ध ठीक है, बक्सर का युद्ध, पटना हत्याकांड,
पटना हत्याकांड, अलीनगर की संधि और ब्लैक होल घटना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए इसको, कैसे सजेगा, सबसे पहले से लेकर सबसे लास्ट में कैसे होगा ये? सही बोल रही हैं ये? पहले ब्लैक होल घटना होगा, उसके बाद फिर अलीनगर की संधि। ये दोनों में कंफ्यूज हूँ। वैसे बक्सर का युद्ध तो 1764 में हुआ था, पटना हत्या करने ये नहीं पता। 1763 में है पटना हत्याकांड। 1763 में सब ब्लैक होल घटना रहेगी, फिर अलीनगर की संधि, फिर पटना हत्याकांड, फिर बक्सर का युद्ध। ठीक है, हो गया जी सर। अब इसमें मान लीजिए आ जाए उथनौला युद्ध, उथनौला का युद्ध, ठीक है, उथनौला का युद्ध, पटना हत्याकांड, ठीक है, ऐसे करके पटना हत्याकांड, कलकत्ता की किलेबंदी, उथनौला का युद्ध, पटना हत्याकांड, कलकत्ता की किलेबंदी और बक्सर युद्ध। कलकत्ता का युद्ध नहीं पता कब हुआ था। कलकत्ता की किलेबंदी को लेकर ही युवक जो नवाब था सिराज, वो गुस्से में था, है ना, और वो जाके फिर वहां पे किलेबंदी को तोड़ दिया, सबको मारा पीटा, भगाया फिर वहां से, है ना, और सब लोग फिर भाग गए। उसके बाद ब्लैक होल की घटना घटती है। मतलब ये कलकत्ता की किलेबंदी का मामला है 1756 का। पटना हत्याकांड इसको पता है, ये तो बक्सर 1764 में हो रहा है। गिरिया, कटवा और उथनौला के युद्ध में हारने के बाद मीर कासिम बहुत गुस्से में था, भाग के गया। करीब 128 लोगों को बंदी बनाया हुआ था पटना में। उसमें एक अधिकारी भी था, अंग्रेज अधिकारी भी था। क्या नाम था उसका, उस अंग्रेज अधिकारी का? एलिस महोदय थे। 128 करीब कैदी थे यहाँ पे, इसी ने बंदी बनाया हुआ था, भाग के गया, फिर इन सबकी हत्या करवा दी। ये काम है 1763 में। उथनौला का युद्ध में हारता है, यहीं से भाग के जाता है पटना। 1763 में ये भी हुआ है। उथनौला के युद्ध में हारने के बाद गिरिया कटवा का युद्ध हार ही चुका था, कटवा गिरिया का युद्ध हार ही चुका था। लास्ट में उथनौला का युद्ध हारता है तो उसको बड़ी गुस्सा आ जाती है, कैसे बार बार ठोकर लगे तो क्या मन होता है, मन होता पहले इस कंकड़ को ही उठा के फेंकते हैं तभी आगे बढ़ेंगे, है ना, ऐसे चिड़चिड़ापन आता है। तो सबसे पहले इसमें कलकत्ता के लिए बंदी, उसके बाद उथनौला का युद्ध, फिर पटना हत्याकांड, फिर आपका बक्सर का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ना इस तरीके से हमको याद रखने हैं, ठीक भाई, डेट वाइज हमको पता होना चाहिए। जब सिराज का अली ये कासिम बाजार पर हमला हुआ, कासिम बाजार को स्वतंत्र करा के अपने क्षेत्र में लौटा गया, उसके बाद जब अंग्रेजों का पलटवार होता है तो उसमें दो लोग होते हैं, एक होता है वाटसन और दूसरा क्लाइव। ये दोनों लोग इस क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण स्थापित करने के लिए मद्रास से निकलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में कई सारे युद्ध लड़े गए हैं, इसी में आप मैसूर आंग मैसूर संघर्ष भी देखेंगे, है ना, इसी में आंग मराठा संघर्ष भी देखा जाएगा,
है ना, तो 72 से 85 के बीच में ये हैं, और जो युद्ध हुए हैं वो कब से कब तक के रहे हैं, 75 से 82 के बीच में लड़े गए हैं, है ना। तो दो युद्ध इनके समय में लड़े गए और बाकी कार्नवालिस के समय में भी लड़े गए हैं, जो इनके समय में युद्ध लड़े गए। जैसे क्या होता है, जब अंग्रेजों की पकड़ होती है बंगाल पे, मजबूत हो जाती है, तो उनको क्योंकि दक्षिण में मैसूर भी एक अच्छा खासा राज्य है, है ना, जो बात बात पे अंग्रेजों को चुनौती दे रहा है, हैदर अली की शक्ति से वाकिफ थे ये लोग, जान इनको पता था कि उनकी कूटनीति कितनी अच्छी है, इन सबको इस बारे में अच्छी जानकारी थी। हालांकि हम सब देखेंगे तो पहला जब आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें अंग्रेजों ने क्या किया था कि अंग्रेजों ने उनको हैदराबाद के निजाम और मराठा दोनों को अपनी तरफ कर ही लिया था, ठीक है, दोनों को अपनी तरफ कर ही लिया था, लेकिन अपनी तरफ ही नहीं किया था, हैदराबाद के निजाम ने मैसूर पर आक्रमण भी किया था, लेकिन ऐसी पलटी मारी इस परिस्थिति ने कि हैदराबाद के निजाम को प्रदेश का लालच दिया गया और मराठों को पैसे का लालच दिया गया। दोनों को जब हैदर अली ने ये सारी लालच दी तो ये दोनों लोग क्या हुआ, अंग्रेजों का साथ छोड़ के हैदर अली के साथ आ गए। अब तीनों का संयुक्त मोर्चा बनता है। इस संयुक्त मोर्चे ने मिलकर कर्नाटक पर हमला करता है। पहला जो आंग मैसूर युद्ध है उसका तात्कालिक कारण देखा जाए तो मद्रास मतलब अंग्रेजी जो काउंसिल है, मद्रास और मैसूर के बीच में कर्नाटक सीमा विवाद रहा है। उसी कर्नाटक सीमा विवाद को सुलझाने के चक्कर में मान चलिए मोटा मोटा पहला आंग मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा, आपको पता भी चलेगा, सबसे पहले अंग्रेजों ने हैदर अली को हरा दिया, हैदर अली हार गया पहली बार। जब हैदर अली ने फिर से पलटी मारी जब हैदर अली ने, तो हैदर अली ने हराया ही नहीं था, हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया भी और मद्रास तक इनको धकेला, मद्रास तक खदेड़ के करके आया था। वहीं मद्रास में बैठे बैठे फिर एक संधि होती है 1769 में, अभी वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं आए हैं, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो मद्रास की संधि के साथ पहला आंग मैसूर युद्ध समाप्त होता है। और ऐसा बताया जाता है जो मद्रास की संधि है वो एक अपमानजनक संधि रही अंग्रेजों के लिए, ठीक है। अपमानजनक संधि का मतलब है, ठीक है, जो भी था हैदर अली की सारी डिमांड पूरी की गई, यहाँ पे हैदर अली अपनी डिमांड आगे बढ़ाते गए, अंग्रेजों के द्वारा उसको पूरा किया गया। बताया जाता है मद्रास की संधि में दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया, अंग्रेजी बहुत सारे अंग्रेज बंदी बना लिए गए थे हैदर अली के द्वारा, हैदर अली ने उन अंग्रेज बंदियों को रिहा किया। अंत में हैदर अली युद्ध क्षति पूर्ति के लिए अंग्रेजों पर हरजाना ठोक दिया, अंग्रेज वो हरजाना देने के लिए मजबूर भी हुए, हरजाना देना भी पड़ा, अंग्रेजों ने हैदर अली को युद्ध क्षतिपूर्ति भी करवाई। युद्ध समाप्त नहीं था, याद रखना, ये संधि क्या थी, संधि एक ऐसा है कि उस क्षेत्र में शांति स्थापित करने का एक तरीका था कि कुछ दिन के लिए शांति आगे बढ़ जाएगी, युद्ध रुकने का कोई माहौल नहीं था यहाँ पे, इस संधि में युद्ध रोकने का कोई किसी गुंजाइश नहीं थी और युद्ध रोकने की बात भी नहीं हुई थी यहाँ पे, कुछ दिन के लिए युद्ध को टालना था। फिर से आप देखेंगे तो दूसरा करना आंग मैसूर युद्ध आ ही जाता है, और किसके समय में आता है, वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में आता है, मतलब 10-12 साल बाद एक दूसरा युद्ध आ जाता है आंग मैसूर का, है ना। अगर हम मैसूर का युद्ध पढ़ रहे हैं, आंग मैसूर संघर्ष पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हमको देख लेना चाहिए कि मैसूर के बारे में भी पता हो जाए, मैसूर की स्थापना कब होती है, मैसूर की स्थापना कब होती भाई, मैसूर राज्य कब बनता है, हमने एक युद्ध सुना है, एक हमने नाम सुना है तालिकोटा का युद्ध, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ है, 1565 में, है ना, 65 में। तालिकोटा को ही राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि राक्षसी और तंगड़ी दो गांव हैं, इन दोनों गांवों के बीच के क्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इसको राक्षसी तंगड़ी
ठीक है। तो तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का भी युद्ध बोलते हैं। राक्षसी और तंगड़ी दो गांव थे, इन दोनों गांव के बीचों बीच में ये युद्ध लड़ा गया, इसलिए इसको राक्षसी तंगड़ी का भी युद्ध कहते हैं। तालीकोटा का युद्ध भी है, ठीक है। इस युद्ध के बाद क्या होता है, ये युद्ध होता है दो गुटों में। दो गुट कौन सा है, एक है विजयनगर साम्राज्य और दूसरा है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य या फिर बोलेंगे दक्षिणी गुट, ओके। बहमनी साम्राज्य में कौन कौन, बहमनी साम्राज्य का पहले ही विभाजन हो चुका था, इसके पांच गुट बने थे। वो पांच गुट कौन कौन से थे, पांच गुटों के बारे में जब देखा जाएगा, इसमें अहमदनगर, गोलकुंडा, ठीक है, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीजापुर के बाद बरार और फिर बीदर, ये पांच गुटों में बटा हुआ था। बरीद, बीदर में बरीद शाही, बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा का आप लोगों ने वो सुना होगा, वो उसका जो गुंबद है वो डबल मंजिले का है ना, सबसे बड़ा गोल गुंबद है, ये सब हमने पढ़ रखा है। लेकिन ये पांच गुट थे बहमनी साम्राज्य के, लेकिन इनमें से एक गुट ऐसा था, एक गुट ऐसा था जो शामिल नहीं था इस तालीकोटा के युद्ध में, उसका नाम है बरार। बरार इस युद्ध में शामिल नहीं था। लड़ाई हुई, विजयनगर साम्राज्य का हो गया विघटन, विजयनगर साम्राज्य का विघटन हुआ, उसके बाद मैसूर पर शासन होता है किसका, मैसूर पर शासन होता है वोडियार वंश का, ठीक है, मैसूर पर शासन होता है वोडियार वंश, स्वतंत्र शासन इसका इस युद्ध के बाद, हाँ ठीक है। इसी के बाद मैसूर एक स्वतंत्र राज्य बनता है, यहां पर एक वोडियार वंश की स्थापना होती है। याद रखना, यहां का एक अंतिम स्वतंत्र शासक है, नाम क्या है, कृष्णराज द्वितीय है ना, नाम मात्र का शासक है। इसके पास दो लोग हैं, एक वित्त मंत्री है, एक सेनापति है, उन्हीं दोनों के हाथ में वास्तविक सत्ता है मैसूर की। एक नाम है नंदराज जो कि वित्त मंत्री है, अब एक दूसरा नाम है देवराज जो कि सेनापति है, इन्हीं दोनों के हाथ में पूरी सत्ता है। इसका नाम मात्र का शासन है, इसके दो मंत्री हैं, एक वित्त मंत्री और एक है सेनापति। वित्त मंत्री नंदराज है और देवराज है सेनापति इसके, इन्हीं दोनों के हाथ में वास्तविक सत्ता है, ठीक है। नंदराज ने 1755 में क्या किया, हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर दिया। डिंडीगुल का फौजदार बनने के बाद हैदर अली ने क्या किया, 1755 में ही डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करवा दी, ठीक है। सब धीरे धीरे चल ही रहा था, लेकिन एक समय आता है 1761 में हैदर अली स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित होते हैं मैसूर पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करते हैं हैदर अली। 1761 में ये शासक बनते हैं। हैदर अली का शासनकाल अगर देखेंगे तो हैदर अली 1761 से 82 के बीच में रहे, क्योंकि दूसरा आंग मैसूर युद्ध चल रहा था कि इनकी मृत्यु हो जाती है बीच में ही, है ना, ये बात हमको पता है। हैदर अली में थोड़ा सा उनकी नीतियां अच्छी खासी रही हैं। हैदर अली के बारे में अगर कहा जाए, पढ़े लिखे नहीं थे, एक बात याद रखना, लेकिन कुशल शासक भी रहे हैं, कुशल सेनापति भी रहे हैं, अच्छे रणनीतिक रहे हैं, इन्होंने कई सारे सुधार भी किए, सेना का आधुनिकीकरण इन्होंने किया ही था, हमने आपको पहले ही बताया सेना का आधुनिकीकरण, उनकी नीतियां, सेना का आधुनिकीकरण। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, रॉकेट तकनीक का आरंभिक प्रयोग इन्होंने ही किया था, हैदर अली के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। ये एक धार्मिक सहिष्णु नेता थे, धार्मिक सहिष्णु शासक थे, ऐसा बताया जाता है। इनके राज्य में मंत्री और सैनिक ज्यादातर हिंदू ही थे। इन्होंने कुछ मंदिरों को भी दान करवाया, उन मंदिरों में एक नाम आता है चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर, चामुंडेश्वरी देवी मंदिर को भी इन्होंने दानवान किया था। साथ में इनके जो सिक्के थे, हैदर अली के जो सिक्के थे ना, इनके सिक्के कैसे थे, उनके सिक्कों पर ना शिव,
पार्वती विष्णु का अंकन मिलता है। इस वजह से इनको एक धार्मिक सहिष्णु शासक के रूप में माना जाता है। इन्होंने कई सारे सुधार भी किए, सुधार में देखेंगे आर्थिक सुधार इन्होंने किए, ऋण सुधार की पद्धति इन्होंने अपनाई, इन्होंने मध्यस्थों के अंत का भी कुछ उपाय किया, मध्यस्थों के अंत का भी उपाय किया इन्होंने, इन्होंने आधुनिक उद्योगों की भी स्थापना करवाई, आधुनिक उद्योगों की स्थापना, और आधुनिक जो उद्योगों की स्थापना इन्होंने करवाई वो फ्रांस तथा तुर्की के सहयोग से करवाई, फ्रांस और तुर्की के सहयोग से इन्होंने आधुनिक उद्योगों की स्थापना करवाई थी। ओके, ध्यान रखना इसे। इनके विदेशी संबंध देखे जाए, इनकी विदेश नीति देखी जाए तो अंग्रेजों से अलग थी, अंग्रेजों के विपरीत थी। अंग्रेजों के विपरीत का क्या मतलब है, इन्होंने क्या किया, फ्रांस के साथ, फ्रांस और तुर्की के साथ इन्होंने अपने बेहतर संबंध रखे। ये कुछ कारण रहे हैं जो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में झगड़े के कारण बन गए। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध क्या है, 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया है, ये बात हमें याद रखनी है। पहला आंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया रहे हैं, प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध के कारण क्या रहे, हमने एक तात्कालिक कारण शुरू में ही बताया था, कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर, कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर पहला कर्नाटक युद्ध होता है, सॉरी आंग्लो मैसूर युद्ध होता है। ये कर्नाटक सीमा किनके किनके बीच की है, एक तरफ मैसूर है और तो दूसरी तरफ मद्रास है, इसी बात को लेकर युद्ध हुआ। हालांकि और भी कई सारे कारण रहे हैं, लेकिन वो कारण पहले से चले आ रहे थे, लेकिन ये तत्कालिक कारण बना। जैसे अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति से ये परेशान थे, ठीक है, आंतरिक हस्तक्षेप का मामला उनको भी नहीं पसंद था, मैसूर को भी पसंद नहीं था, जैसे आंतरिक हस्तक्षेप कर रहे थे बार बार जाके। हैदर अली की जो शक्तियां बढ़ रही थी, हमने बताया ना वो एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे, कुशल शासक भी थे, कुशल सेनापति थे, तो उस वजह से भी अंग्रेज बड़े डरे हुए से थे कि पता नहीं कब हमारा झोला दस्ता उठवा दिया जाए यहां से हैदर अली द्वारा। अब अंग्रेजों के आंख की किरकिरी थे, किरकिरी था मैसूर राज्य, क्योंकि उधर के आसपास के क्षेत्र जितने भी थे वो सब अंग्रेजों के कब्जे में थे, सिर्फ और सिर्फ मैसूर को छोड़कर, ठीक है। और इसके अलावा मैसूर का जो फ्रांस के साथ संबंध चल रहा था वो अंग्रेजों को भी नहीं पसंद था, ब्रिटिश षड्यंत्र भी इसमें कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ, कारगर साबित हुआ मतलब ब्रिटिश जो षड्यंत्र था वो भी इस युद्ध का एक कारण बनता है। हमने आपको बताया अंग्रेजों ने क्या किया, हैदर अली के खिलाफ निजाम को और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया था, है ना, अपनी तरफ मिला लिया था, इस वजह से भी युद्ध ये जरूरी हो गया था। और कुछ हैदर अली की सुधार नीतियां रही हैं जिसकी वजह से युद्ध जरूरी था। इस समय पूछा जाता है कि ये जो पहला आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ इस समय गवर्नर कौन था, क्योंकि अभी बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बंबई का गवर्नर, सबका अपना अपना गवर्नर है, है ना, तो सबका अपना अपना गवर्नर है, तो याद रखना है इस समय जो गवर्नर है उसका नाम क्या है, बेरे लस्ट। और मेरे ख्याल से इन्हीं के समय में प्लासी और बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, बेरे लस्ट के ही समय में, है ना, मेरे ख्याल से, ठीक है। प्लासी और बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर है बेरे लस्ट, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। वो भी कहां का गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर है, ये भी ध्यान रखना। युद्ध होता है पहला आंग्लो मैसूर युद्ध, गवर्नर बेरे लस्ट है, लेकिन अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, जनरल स्मिथ महोदय है, ठीक है, जनरल स्मिथ महोदय है अंग्रेज सेना के नेतृत्व करता पहले आंग्लो मैसूर युद्ध में। आक्रमण होता है, हालांकि आपको पहले भी पता है हैदराबाद के निजाम मराठों के साथ अंग्रेजों ने संधि कर रखी थी। 1767 में निजाम ने मैसूर पर आक्रमण भी किया था, 1767 में निजाम ने मैसूर पर आक्रमण भी किया था, लेकिन
वो आक्रमण असफल हुआ, निष्फल हुआ और हैदर अली ने हैदराबाद के निजाम को प्रदेश का लालच दिया, मराठों को धन का लालच दे दिया और उनको सबको दोनों को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। अब तीनों का एक मोर्चा तैयार होता है, तीनों ने मिलकर कर्नाटक पर आक्रमण किए, ठीक है। लेकिन स्मिथ के नेतृत्व में जो सेना आ रही थी उसने हैदर अली को पराजित किया था, ठीक ना, हैदर अली को एक बार पराजित किया। लेकिन दोबारा हैदर अली जब चढ़ाई किए तो उन्होंने हराया ही नहीं बल्कि उनको मद्रास तक खदेड़ दिया ले जाके, बस समझे। मद्रास की संधि होती है इसी में, मद्रास की संधि होती है, मद्रास की संधि होती 1769 में। इस संधि में क्या होता है, एक अपमानजनक संधि बोली जाती है अंग्रेजों के लिए, अपमानजनक संधि बोली जाती है। इस संधि में दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस किए, अंग्रेज बंदियों को रिहा किया हैदर अली ने, साथ ही साथ हैदर अली ने क्या किया, युद्ध क्षतिपूर्ति भी करवाई अंग्रेजों से, है ना। पहला आंग मैसूर युद्ध था, हाँ लिखिए ना। इस संधि के तहत मद्रास की संधि के तहत दोनों के द्वारा जीते गए एक दूसरे के क्षेत्र वापस किए गए। दूसरा पॉइंट, अंग्रेज बंदी रिहा किए गए, अंग्रेज बंदियों को रिहा किया गया। और हैदर अली को क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों द्वारा धन प्राप्त हुआ। अब दोनों लोगों ने इस संधि में बात की थी कि अगर कोई भी एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का आक्रमण करता है तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। 1766 में मैसूर के हैदर अली पर हमले में हैदराबाद के निजाम का साथ दिया था, ठीक है, ये सारी चीजें। पर हैदर अली ने मद्रास काउंसिल को अपनी शर्तों पर शांति की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। 75 में अंग्रेजों का मराठों से टकराव हुआ, आंग्ल मराठा संघर्ष क्यों हो रहा है, आंग्ल मराठा संघर्ष का मूल कारण क्या था, मराठा संघ का संघ में उत्पन्न आंतरिक संघर्ष, मराठा संघ में जो आंतरिक संघर्ष था पेशवा की मृत्यु के बाद पेशवा पद की दावेदारी को लेकर ही था। एक पक्ष है जो कहता है कि माधवराव को बनाया जाए, एक अकेला है, दूसरे पक्ष में अकेला व्यक्ति है रघुनाथ राव जो कि चाचा है, वो कहता है कि पेशवा का पद हमारा होना चाहिए। पहला जो पक्ष है जो माधवराव के पक्ष में है, सब लोग उनको पेशवा बनाना है, उसमें एक नाम आता है और बड़ा जाना पहचाना सा नाम नजर आता है, और उनका नाम क्या था, नाम था नाना फड़नवीस के नेतृत्व में सबकी ये राय थी कि भाई माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाया जाए। ये गुट जब मजबूत दिखा तो रघुनाथ राव क्या किए, पूना से भागकर बंबई में शरण ले लेते हैं। बंबई में शरण लिए मतलब अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों से उन्होंने मदद की गुहार लगाई कि भाई हमारी मदद करेंगे आप लोग, हम आपको ये सारी चीज देंगे, हमको पेशवा का पद दिलवा दो। पेशवा का पद दिलाने के लिए अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच में सूरत की संधि होती है, ठीक है। और सूरत की संधि जब होती है तो सूरत की संधि में कुछ शहरों पर अंग्रेज अपना दावा भी करते हैं। वो दावा कौन कौन से शहर का था कि जो क्षेत्र लोग मांग रहे थे, उसमें चार क्षेत्र हैं, है? जिसमें बालक पेशवा माधवराव द्वितीय के समर्थक नाना फड़नवीस के नेतृत्व में एक गुट थे और रघुनाथ राव के समर्थक दूसरी बार थे। दो गुट थे इस समय मराठा संघ में, याद रखना है। बंबई के ब्रिटिश अधिकारियों ने रघुनाथ राव की ओर हस्तक्षेप का निश्चय किया। उन्हें आशा थी कि उनके देशवासियों ने बंगाल मद्रास में जो कुछ कर दिखाया था वैसा ही कुछ काम हुए कर सकेंगे और नतीजे में उनको धन लाभ भी होगा। इस कारण वो मराठों के साथ एक लंबी लड़ाई में उलझ गए और यह लड़ाई चलती है 75 से 82 के बीच में ये युद्ध चलता है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध है। ये भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए बहुत अशुभ घड़ी थी। ये समय क्या था, ये समय है
वो कि जब वैश्विक स्तर पर देखा जाए अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति, अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, अमेरिका स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट कर चुका था, है ना। वहां से अंग्रेज, वहां पर अंग्रेज जगह जगह पर हार का सामना कर रहे थे। दूसरी तरफ भारत में देखें तो ये मैसूर के साथ एक बार मुंह की खा चुके हैं, एक बार मुंह की खा चुके हैं, पहले वाले आंग मैसूर युद्ध में मुंह की खानी पड़ी इनको अच्छे से। मतलब कुल मिला के ऐसा देखा जा रहा है कि ये वो समय है जो गलत समय भी माना जाता है कि ये लोग गलती से युद्ध में जाके शामिल हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी समय इनके प्रति अनुकूल नहीं था बल्कि प्रतिकूल था, ठीक है। सभी मराठा सरदार पेशवा उसके प्रधानमंत्री नाना फडणवीस की ओर से एक हो गए। दक्षिण भारत के शासक अपने बीच अंग्रेजों की उपस्थिति से बहुत दिन से चिढ़े हुए थे। इस घड़ी का फायदा उठाकर हैदर अली निजाम ने कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, है ना। कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने में निजाम भी साथ दिए, हैदर अली भी साथ दिए, मराठा तो रहेगी। इस तरह अब अंग्रेजों को मराठा, मैसूर, हैदराबाद के शक्तिशाली गठजोड़ का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 76 में अमेरिका की जनता ने विद्रोह कर दिया। इस लड़ाई में अंग्रेजों की हार पर हार हो रही थी। फ्रांसीसी अपने पुराने प्रतिद्वंदियों की कठिनाइयों का फायदा उठाना चाहते थे और उसका भी मुकाबला अंग्रेजों को करना पड़ रहा था। चिढ़े हुए नहीं थे, उन्होंने कर्नाटक का 3 युद्ध झेला हुआ था, अंग्रेजों की गलती, लेकिन इनको झेलना पड़ा सारा मामला, तो फ्रांसीसी भी उसका फायदा उठाना ही चाह रहे थे। पहला आंग मराठा युद्ध होता है और जब ठीक है यहां पे पहला आंग मराठा युद्ध 75 से 82 के बीच में होता है, भाई ये याद रखना है, 75 से 82 के बीच में अनिर्णायक युद्ध रहा है, यह बात हमको पहले से याद रखना है। मराठा संघ का आंतरिक संघर्ष अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का मौका प्रदान किया। रघुनाथ राव भाग गया, ठीक है, अंग्रेजों से मिला बंबई में, अंग्रेजों से गुहार लगाई, पेशवा बनाने की बात हुई। सूरत की संधि होती है, और सूरत की संधि होती है 1775 में, किसके साथ होती है, अंग्रेज और रघुनाथ राव। सूरत की संधि में क्या होता है, पेशवा के पद पर बैठाने के लिए अंग्रेजों ने सैन्य सहायता देने का वचन दिया रघुनाथ राव को। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि भाई हमको भरूच, सूरत, सालसेट और बसीन का क्षेत्र दे दिया जाए। सैन्य सहायता के बदले में, मतलब पेशवा की गद्दी पकड़ाने के बदले में, अंग्रेजों ने सूरत, भरूच, सालसेट और बसीन का क्षेत्र मांग लिया, किससे, रघुनाथ राव से। अब अगर देखा जाए उन्होंने ये क्षेत्र जो मांगा था, ये क्षेत्र मतलब था इस क्षेत्र पर होने वाली आय की डिमांड थी, इस क्षेत्र पर जितनी भी इनकम हो रही थी वो सभी इनकम की डिमांड की थी अंग्रेजों ने, ठीक है। आरस का मैदान सज गया, आरस का मैदान सजा, अंग्रेज और पेशवा सेना आमने सामने खड़ी, युद्ध हुआ, मराठे हार गए, युद्ध में मराठे हारे, लेकिन हारने का मतलब यह नहीं था कि युद्ध पूरी तरह मतलब अंग्रेजों को अधिकार मिल गया, मराठों के हारने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। मराठे हारे, भले हारे, लेकिन अंग्रेजों को अधिकार भी नहीं मिला है। इसमें क्या हुआ, एक युद्ध हुआ जहां पर मराठों की हार हुई, एक दूसरा युद्ध होता है, ये जो युद्ध था आपका कौन सा युद्ध बताया था अभी, एक दूसरा युद्ध है आपका तेलगांव, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का ही हिस्सा है भाई, याद रखना तेलगांव, ये भी इसी में हुआ है, ये हुआ है 1778 में। इसमें भी मराठे और अंग्रेज दोनों आमने सामने खड़े हुए, लेकिन इस बार मराठे भारी पड़ गए, अंग्रेजों को इन्होंने हराया, अंग्रेज हार भी गए। एक संधि होती है, सॉरी बड़गांव की संधि, कब हुई, 1779 में, ठीक है, बड़गांव की संधि होती है। 75 से 82 के बीच में लड़े गए जो युद्ध थे, आंग्ल मराठा युद्ध, पहला आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें दो युद्ध बड़े बड़े लड़े गए, एक आरस और दूसरा तेलगांव। एक बार मराठे हारे, दूसरी बार अंग्रेज हारे, बड़गांव की एक बार संधि हुई युद्ध से पहले, लेकिन याद रखना सूरत की भी संधि हुई है। लास्ट में जाके एक संधि लिखी जाती है 1782 में, साल बाई की संधि,
1782 में। इस सलवाई की संधि के बाद पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है और इस युद्ध में इस संधि में क्या किया जाता है, इस संधि में सालसेट और थाना का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया गया। सालसेट थाना का दुर्ग अंग्रेजों को दिया गया। माधव जो है वो पेशवा बन गए, माधव पेशवा बन गए। जीते हुए क्षेत्र वापस किए गए एक दूसरे के द्वारा जो भी एक दूसरे के क्षेत्र जीते गए थे उनको वापस भी किया गया इसी संधि में। आश्वासन भी दिया गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं होगा। लिख लीजिए एक पॉइंट कि भविष्य में आक्रमण न करने का आश्वासन भी दिया गया। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ दिया तथा रघुनाथ राव पर खर्च की गई 12 लाख की रकम अंग्रेजों को प्राप्त हुई। ठीक है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इसमें बताया जाता है इसमें जीत कोई नहीं पाया। एक बार अंग्रेज हारे भी थे। किसी की जीत हार नहीं हुई है, ये बात याद रखनी है, किसी की जीत हार नहीं हुई। लेकिन इससे अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चिंत हो गए थे। मराठों को पूरी तरह से निश्चिंत हो गए अंग्रेज लोग कि मराठे जो है अब हम पे किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करने वाले हैं। इस समय का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाया, जबकि मराठे आपसी झगड़ों में अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे थे। इन्हीं सबके आपसी झगड़े आपसी रंजिशें सबकी चल रही थी, क्योंकि मराठा एक संघ था, इन सबके द्वारा मिलकर मराठा संघ का शासन चलाया जा रहा था। ठीक है, इस समय का लाभ उठाया इन्होंने। इसके अलावा सलवाई की संधि कारण अंग्रेज मैसूर पर दबाव डालने में सफल रहे, क्योंकि मराठों ने उनसे वादा किया कि हैदर अली से अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने में वे अंग्रेजों की सहायता करेंगे। सालबाई की संधि में ये बात भी तय कर ली गई थी कि दोनों एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, अगर किसी पर आक्रमण होता है तो ये दोनों एक दूसरे की मदद भी करेंगे। जाहिर सी बात है इस सालबाई की संधि में ये बात छिपी हुई थी कि मैसूर ने जो इज्जत लूटी थी इनकी, अच्छे से इनको मैदान में दौड़ा दौड़ा जो मारा था, अच्छे से जो जमीनें छीन रखी थी हैदर अली ने, वो इनको मराठों की सहायता से मिलने वाली थी। सालबाई की संधि में ये बात की गई थी। अंग्रेज फिर एक बार भारतीय शासकों में फूट डालने में सफल हो गए। ठीक है, इसी बीच 80 में हैदर अली से एक बार युद्ध फिर शुरू हुआ। 80 से 84 के बीच में युद्ध चलता है, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, सॉरी आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे तो 80 से 84। हाँ, आंग्ल मैसूर दिख रहा है ना इसमें? जी सर, जो लिखे हैं ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। ये लड़ा गया है 80 से 84 के बीच में, मतलब 1780 से लेकर 1784 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में लड़ा गया है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स था इसमें आ गया था। कारण क्या था? तात्कालिक कारण अगर देखा जाएगा तो इसका तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का माही पर कब्जा था, है ना। माही मतलब फ्रांसीसियों का एक बंदरगाह है। लेकिन ये जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था ना, ये तो तात्कालिक कारण है, लेकिन दूरगामी अगर कारण कोई देखा जाएगा तो दूरगामी कारण ये रहा है। हमने पढ़ा है मराठों ने जो 1771 में मैसूर पर आक्रमण किया था, उस समय अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का उल्लंघन करते हुए मैसूर का साथ नहीं दिया था। ठीक है, ये दूरगामी कारण है। हमने आपको पहले भी पढ़ाया था कि दोनों में जो समझौता हुआ था, दोनों में ये बात हुई थी, दोनों एक दूसरे के क्षेत्र जीते हुए क्षेत्र वापस किए थे। बाद में ये भी बात हुई कि भाई अगर हम दोनों में से किसी पर कोई आक्रमण बाह्य आक्रमण होता है तो हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया 1771 में, तो मद्रास की संधि में ही ये बात हुई थी। मद्रास की संधि का अंग्रेजों ने उल्लंघन किया, मतलब उन्होंने मैसूर का साथ नहीं दिया। जब माही पर
माही पर जब अंग्रेजों का अधिकार हुआ उससे हैदर अली को थोड़ा सा नाराजगी हुई, और हैदर अली नाराज हुए ही नहीं, उन्होंने क्या किया, कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक पर आक्रमण क्यों किया, क्योंकि कर्नाटक में जो नवाब बैठा हुआ है वो कौन है, अंग्रेज का ही पिट्ठू है, ठीक है, अंग्रेजों के ही नियंत्रण में कर्नाटक है, तो उन्होंने कर्नाटक पर आक्रमण किया। और कर्नाटक पर आक्रमण किया साथ ही साथ कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली ने अंग्रेजों से जब सहायता मांगी तो अंग्रेजों ने दो अलग अलग सेनाएं भेजी कर्नाटक के सहायता के लिए, मतलब हैदर अली के खिलाफ, ठीक है। अब यहां पे बात यह हो रही है कि जब दो सेनाएं भेजी गई तो दोनों सेनाएं गई कैसे, एक को तो टीपू सुल्तान रास्ते में ही पकड़े, रास्ते में जो मुनरों के नेतृत्व में आ रही थी सेना उसको उन्होंने मतलब रास्ते में टीपू सुल्तान ने ही रोक लिया, वहां पर दोनों में युद्ध हुए और फिर मुनरों की नेतृत्व वाली सेना क्या हुई, हार गई। इस दूसरे कर्नाटक सॉरी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में तीन सेनाएं एक साथ खड़ी थी, कौन कौन तीन सेनाएं थी, हैदर अली थे, निजाम थे और मराठे थे, ये तीनों सेनाएं एक साथ लड़ रही थी, ठीक है। टीपू सुल्तान जो मुनरों के नेतृत्व वाली सेना को रास्ते में पकड़ा था, जो युद्ध हुआ उस जगह का नाम था पोलीलुर, ठीक है, ठीक है। दो सेनाएं जो भेजी गई, एक को रास्ते में रोका टीपू सुल्तान ने, पोलीलुर के मैदान में एक युद्ध हुआ टीपू सुल्तान और हेक्टर मुनरो के बीच में, जहां पर टीपू सुल्तान ने क्या किया, मुनरो को पराजित कर दिया, ठीक है। इसी में एक चीज और याद रखना, हैदर अली जब जनरल बेली अपनी सेना लेकर जनरल बेली के नेतृत्व वाली जो दूसरी सेना आ रही थी उसको हैदर अली ने पराजित किया, बेली वाली सेना को अली ने पराजित किया, मुनरो की सेना को सुल्तान ने पराजित किया, ठीक है। एक ने पोलीलुर के मैदान को चुना था, दूसरे ने अरकाट के क्षेत्र को चुना था, अली जो थे आसे अली आसे अरकाट, ठीक है। अली क्या किया, हैदर अली क्या किए, बेली की नेतृत्व वाली सेना को हराया और उन्होंने अरकाट पर क्या कर दिया, डेरा जमा लिया, ओके। अब यहां पे अंग्रेजों की चाल क्या थी, अंग्रेज 1780 का समय था, बेली को हराया गया, अरकाट पर अधिकार हुआ, इसके बाद अंग्रेजों ने चाल चली कि त्रिगुट को तोड़ लिया जाए। त्रिगुट में इन्होंने क्या किया, मराठा और निजाम को अलग कर लिया, कुछ लालच लफड़ा दिया होगा, ठीक है, लालच वालच देकर उन दोनों को इन्होंने तोड़ा। और फिर एक नेता एक सेना चलती है उनके आयरकूट के नेतृत्व में, आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना निकली, 1781 का समय है, 1781 में आयरकूट ने हैदर अली को तीन युद्धों में हराया, कहां कहां, पोलीलुर पोर्टो नोवो और सोलिंगपुर में। इन्होंने हैदर अली को आयरकूट ने हैदर अली को यहां पर पराजित किया, ठीक है, बात क्लियर हुई यहां तक, जी सर। अब एक पोलीलुर का युद्ध हुआ, बेटे ने हराया, एक पोलीलुर का युद्ध हुआ दूसरा, उसमें बाप हार गया, क्लियर यहां तक। अब क्या होगा, इसी युद्ध के दौरान दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में हैदर की मृत्यु हो जाती है। और हैदर की मृत्यु के बाद जो मैसूर की सेना का कमान है वो संभाला किसने, टीपू सुल्तान संभाल लिए भाई। युद्ध को इन्होंने जारी भी रखा, युद्ध को इन्होंने छोड़ा नहीं, ठीक है। 1783 में ब्रिगेडियर मैथ्यू, टीपू सुल्तान ने 1783 में नेता कौन था, मैथ्यूज था, ब्रिगेडियर मैथ्यूज के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को इन्होंने पराजित किया किसने, टीपू सुल्तान ने, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने पराजित ही नहीं किया बल्कि ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंदी भी बना लिया टीपू सुल्तान ने। 84 में फिर एक संधि होगी, संधि कौन सी होने वाली भाई, दूसरा आंग्ल मैसूर में संधि होती है, मैंगलोर की संधि,
मैंगलोर की संधि होती है। मैंगलोर की संधि के तहत दोनों के द्वारा जीते गए एक दूसरे के क्षेत्रों को वापस किया गया, ठीक है। पहली चीज याद रखना, पहले वाले आंग्लो मैसूर युद्ध में भी अंग्रेजी बंदियों को रिहा किया गया था, तो दूसरे वाले में भी अंग्रेज बंदियों को रिहा किया गया है, ठीक है। इसी मैंगलोर की संधि के तहत दोनों के दोनों युद्ध, मतलब दूसरा युद्ध समाप्त हो गया। दूसरे युद्ध में किसी को दिक्कत? अब क्योंकि टीपू सुल्तान का समय है, तो टीपू सुल्तान राजा बनते हैं, मैसूर के शासक बनते हैं। उन्होंने क्या किया, श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई, उन्होंने श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाई, राजधानी बन गई। जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई, जैकोबिन क्लब बनाया गया। साथ ही साथ इन्होंने फ्रांस मैसूर मैत्री का स्वतंत्र वृक्ष लगवाया, ठीक है, बात क्लियर। अब आएगा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल आता है कार्नवालिस के समय पे, कार्नवालिस का समय है और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक रहा? 1790 से 1792 के बीच में। याद रखना 84 के जो संधि मंगलौर की हुई थी उसमें टीपू सुल्तान ने अपनी स्थिति को अच्छी खासी बना रखी थी। फ्रांसीसियों की तरफ राजनीतिक संबंध भी उन्होंने बना रखे थे, फ्रांसीसियों की तरफ राजनीतिक संबंध बढ़ाने का उनको मौका भी मिला। टीपू ने अपने राजदूत फ्रांस और तुर्की भी भेज दिए, ठीक है। अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना भी शुरू किया। 84 में क्विट्स इंडिया एक्ट ने यह निश्चित कर दिया था कि अब से भाई कोई भी नया राज्य जीतने का प्रयास नहीं करेगी। कंपनी को बोला गया क्विट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कि अब कोई नया राज्य जीतने का प्रयास नहीं करेगी। परिणाम क्या निकला कि बंगाल का गवर्नर जनरल कार्नवालिस ने मराठों और निजाम से एक त्रिगुट संधि कर ली। कार्नवालिस ने क्या की, मराठा और निजाम संधि कर ली। इससे क्या होता, अब यह मत सोचना कि इस तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण यह संधि रही है, ठीक है। लेकिन यह जरूर समझिए कि यह जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, एक बोले तो आईकोटा एक जगह है, आईकोटा और कैगानूर, आईकोटा और कैगानूर दो किले थे जिनको टीपू सुल्तान खरीदना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, उन दोनों किलों को खरीदा था त्रावणकोर ने। त्रावणकोर कौन है, अंग्रेजी समर्थक है, ब्रिटिश समर्थक है। त्रावणकोर ने खरीदा तो इससे टीपू सुल्तान को थोड़ा सा नाराजगी भी हुई, टीपू सुल्तान नाराज हुए। नाराज होकर उन्होंने क्या किया, त्रावणकोर पर आक्रमण किया। तब अंग्रेजों को भी थोड़े से खटक गई। अब अंग्रेजों ने फिर क्या किया भाई, कैप्टन मीडोज के नेतृत्व में मराठा और निजाम की सहायता से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर मैसूर के कई सारे क्षेत्रों को जीत लिया। कैप्टन मीडोज मराठा निजाम की मदद से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण होता है, मैसूर के कई क्षेत्र कब्जे में आ जाते हैं, किसके, अंग्रेजों के कब्जे में कई सारे क्षेत्र मैसूर के आने के बाद अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। और घेरने के बाद भाई टीपू सुल्तान बाध्य हुए और बाध्य होकर वो क्या किए, श्रीरंगपट्टनम की 1792 में संधि कर ली। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई है, 1792, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध इसी से समाप्त होगा। 1792 में संधि हुई, तीसरा युद्ध भी समाप्त हुआ। मैसूर का आधा राज्य अंग्रेज मराठा और निजाम मिलकर आपस में बांट भी लिए। अंग्रेजों ने मराठा और निजाम के साथ मिलकर मैसूर के आधे राज्य को आपस में ही बांट लिया। इसके साथ साथ अंग्रेजों को जो मिला है वो 12 महल, अंग्रेजों को क्या दिया गया श्रीरंगपट्टनम की संधि से, 12 महल का क्षेत्र मिला, मालाबार दिया गया
और डिंडीगुल भी प्रदान किया गया अंग्रेजों को। अगर जो तीनों क्षेत्र थे बारह महल मालाबार, बारह महल मालाबार और डिंडीगुल के जो क्षेत्र अंग्रेजों को मिले थे स्पेशल रूप से, ये तीनों क्षेत्र सैन्य शक्ति और आर्थिक मामले में मजबूत थे, जरूरी भी थे, अंग्रेजों को चाहिए भी था उसे। मराठों और निजाम को, मराठों को क्या दिया गया? मराठों को मिला भैया तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग, तुंगभद्रा नदी के ऊपर वाला भाग, उत्तर वाला क्षेत्र जो मिला वो मराठों को दिया गया। और निजाम को जो मिला वो पेन्नार, पेन्नार पासे पतंग, पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र दे दिया गया। दोनों लोग संतुष्ट भी हो गए। इस संधि में, श्रीरंगपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान से 3 करोड़ रुपया हरजाना भी भरवाया गया। 3 करोड़ रुपया हरजाना भी देना पड़ा। उनके पास जब पैसे नहीं रह गए तो उनको क्या किया गया भाई, अपने दो छोटे बच्चे थे, दो छोटे बच्चों को उन्होंने अपने कार्नवालिस के पास बंधक के रूप में भेज दिया। बात समझे? जो अपने दो बच्चों को उन्होंने बंधक के रूप में भेजा, कार्नवालिस को इस बात का डर था कि कहीं टीपू सुल्तान हम पे पलटवार न कर दे। इस वजह से कार्नवालिस ने ये वाली शर्त रखी, दो बच्चे हमारे पास रहेंगे तो टीपू सुल्तान जानबूझकर क्या चाह कर भी हम पे हमला नहीं कर सकता। दो बच्चे उनके बंधक के रूप में आ गए श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा, जब उन्होंने क्षतिपूर्ति करने के लिए उनके पास पैसा नहीं रह गया था। ठीक है, यह हो गया तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें एक कार्नवालिस की एक, कार्नवालिस का एक कथन रहा, बड़ा फेमस रहा है। कार्नवालिस कहता है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली किए बिना अपने दुश्मनों को पंगु बना दिया। मित्र कौन था उसका? मराठा और निजाम। एक को तुंगभद्रा के ऊपर वाला क्षेत्र पकड़ा दिया, एक को कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच वाला क्षेत्र दे दिया। खुद के लिए क्या रखा? मालाबार, बारह महल, डिंडीगुल का क्षेत्र ले लिया। इनका आधा क्षेत्र पहले से ही खत्म हो चुका था टीपू सुल्तान का। ये तीन क्षेत्र एक्स्ट्रा लेने के बाद और भी कम हो गया। 3 करोड़ का हरजाना भरवाया गया, जो नहीं भर पाया उसने दो बच्चों को बंधक बना के रखा गया। तो कार्नवालिस की जो ये उक्ति रही है ये सही भी रही कि इन्होंने क्या किया, कि इन्होंने कहा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली तो नहीं बनने दिया लेकिन हमने अपने दुश्मनों को पंगु बना दिया। लगे हाथ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे, अंतिम है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर कब लड़ा जा रहा है? ये 1799 में। इस समय भारत में बंगाल का गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेले जली। सहायक संधि के लिए जाना जाता है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है ना कि जैकोबिन की क्लब की सदस्यता प्राप्त करते हुए श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगवाया भी था। इन्होंने खुद को नागरिक टीपू की संज्ञा भी दी थी। लेकिन याद रखना है बंगाल का गवर्नर जनरल इस समय है लॉर्ड वेले जली, जिसने सहायक संधि के लिए टीपू सुल्तान से बात भी की थी लेकिन टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि हम भाई सहायक संधि स्वीकार नहीं करेंगे। और यही सहायक संधि को अस्वीकार करना चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण बनता है। 1799 में लॉर्ड वेले जली ने मैसूर पर आक्रमण किया। मैसूर पर आक्रमण ही नहीं किया, इन्होंने मैसूर के कई क्षेत्रों को, कई सारे क्षेत्रों को जीतते हुए श्रीरंगपट्टनम के किले को घेर लिया। उसके बाद टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए दुर्ग के दरवाजे पर ही मारा गया, वीरगति को प्राप्त हुआ, मतलब मैसूर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, उन्होंने उनको वीरगति कब प्राप्त हुई, कौन उसमें गवर्नर जनरल था, क्या क्या हुआ था, ऐसी कुछ चीजें। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद किसी संधि की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, पहले हमने जो मैसूर राज्य पढ़ाए थे, मैसूर राज्य का उद्भव, उसमें हमने बताया था मैसूर राज्य पर जिस स्वतंत्र वंश का शासन हुआ वो था वडियार वंश। वडियार वंश के 2 साल के एक बच्चा है, 2 साल का एक बच्चा है जिसका नाम है कृष्णराज, उसको मैसूर का शासक घोषित किया गया अंग्रेजों के द्वारा और उस पर अपनी सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, याद रखना अंत में मैसूर को भी ब्रिटिश क्षेत्र में मिला ही लिया जाता है लेकिन वो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार का मतलब है 1834 का समय है और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड
विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, अंत में 1834 में मैसूर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, इस प्रकार से मैसूर का उद्भव भी हमने देख लिया, मैसूर आंग के चार युद्ध भी हमने पढ़ लिए, मैसूर पर फिर से किसको स्थापित किया गया, फिर कैसे मैसूर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया, ये सारी चीजें हो गई समाप्त। बात क्लियर? चलिए, ये तीसरे वाले में हुआ था जो 330, ये देखिए यहां से देख लेते हैं। उसे दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु समझते थे, जो दक्षिण भारत की जीत में उनके लिए प्रमुख बाधक बना हुआ था। टीपू भी अंग्रेजों से सख्त नफरत करता था, अपनी स्वाधीनता के लिए सबसे बड़ा खतरा समझकर उन्हें भारत से बाहर खदेड़ने पर अड़ा हुआ था। दोनों के बीच 1789 में फिर युद्ध भड़क उठा और अंततः 1792 में टीपू की हार हुई। ठीक है, तीसरा आंग मैसूर युद्ध की बात है। लॉर्ड वेलेजली के समय पर अंग्रेजों का प्रसार हुआ है। चौथा आंग मैसूर युद्ध लड़ा जाएगा इसी के समय में। भारत में ब्रिटिश का दूसरा बड़ा प्रसार कब होता है, वेलेजली के समय में, याद रखना। ठीक है, 1798 से 1805, 98 में ऐसे समय में भारत आया था ये वेलेजली, जब अंग्रेज पूरी दुनिया में फ्रांस के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। ये उस दौर में आया हुआ था। इस समय तक अंग्रेजों की नीति यह थी कि अपने लाभों और साधनों की स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाए, नए इलाके तभी जीते जाएं जब बड़े भारतीय शासकों को दुश्मन बनाए बिना सुरक्षापूर्वक ऐसा कर सकना संभव हो सके, ये वो नीति थी। वेलेजली ने फैसला किया समय आ चुका है, जितने अधिक भारतीय राज्य संभव हो ब्रिटिश नियंत्रण में लाए जाएं। इसने क्या किया, सहायक संधि की शुरुआत की। 1797 तक दो प्रमुख भारतीय शक्तियां मैसूर और मराठों की शक्ति छीड़ हो चुकी थी। भारत में राजनीतिक परिस्थितियां प्रसार के लिए अनुकूल थी, प्रसार करना अब आसान भी था और लाभप्रद भी था। अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने के लिए वेलेजली ने तीन उपाय का सहारा लिया। कौन कौन से तीन उपाय इसने अपनाए भाई, एक तो सहायक संधि प्रथा, दूसरा खुला युद्ध, तीसरा पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना। पहले से जो शासक इनके अधीन हो चुके थे उनके राज्य को भी हड़पना था। किसी भारतीय शासक को पैसा लेकर ब्रिटिश सेना की मदद देने की नीति तो बहुत पुरानी ही थी। इसके बाद तीन उपाय याद रखने, ठीक है, तीन उपाय इसने क्या दिए थे, सहायक संधि, खुला युद्ध, पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का इलाका हड़पना। तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, किसी भारतीय शासक को पैसा लेकर ब्रिटिश सेना की मदद देने की नीति तो बहुत पुरानी थी, फिर भी वेलेजली ने इस नीति को एक निश्चित रूपरेखा दी। इसका उपयोग भारतीय शासकों को कंपनी के अधीन बनाने के लिए किया गया। ठीक है, उसकी सहायक संधि प्रथा की नीति के अनुसार किसी सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी, उसके रखरखाव के लिए अनुदान देना पड़ता था। यह सब कहने को उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता था, मगर वास्तव में उस भारतीय शासक से कंपनी को खिराज दिलवाने का एक ढंग था। ऐसा माना जाता था, ऐसा इन्होंने कहा भी अंग्रेजों ने कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप ऐसा करिए। हकीकत यह थी कि अंग्रेज अपनी तरफ से संतुष्ट होना चाह रहे थे कि भाई किसी प्रकार का खतरा तो नहीं है उस क्षेत्र में। ठीक है, याद रखना। कभी कभी कोई शासक वार्षिक अनुदान ना देकर अपने राज्य का कोई भाग दे देता था। सहायक संधि के अनुसार आमतौर पर भारतीय शासक यह भी मांगना पड़ता था कि वह अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा। सहायक संधि में क्या क्या होता था भाई, सेना रखनी पड़ती थी, एक रेजिडेंट रखना पड़ता था, वो भी किसके खर्चे पर, भारतीय शासक के खर्चा पर। अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में रखना नहीं था। गवर्नर जनरल से सलाह किए बगैर किसी दूसरे भारतीय शासक से कोई वार्ता नहीं करनी थी। सहायक संधि की ये कुछ फार्मूले रहे हैं। ठीक है ना, इसके बदले अंग्रेज उस शासक की दुश्मनों से रक्षा करने का वचन देते, उस सहयोगी के अंदरूनी मामलों में दखल ना देने का भी वादा करते, पर यह वादा ऐसा था जिसे कभी कभी ही पूरा किया गया। वास्तव में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके कोई भारतीय राज्य अपनी स्वाधीनता लगभग गंवा ही बैठता था। वह आत्मरक्षा के, कूटनीतिक संबंध बनाने के, विदेशी विशेषज्ञता रखने के, पड़ोसियों के साथ आपसी झगड़े के अधिकार ही खो देता था। सारे अधिकार खत्म हो जाते थे, ना तो कोई विदेशी संबंध, ना तो पड़ोसी संबंध, ना तो कोई झगड़ा, ना तो कोई झंझट, ना तो कोई आत्मरक्षा, कुछ नहीं। वास्तव में उस भारतीय शासक की बाहर मामलों में सारी प्रभुता समाप्त हो जाती थी। ठीक है, ये याद रखना। इसका प्रभाव क्या रहा है सहायक संधि का, कि भारतीय शासक की सभी मामलों में बाहरी संप्रभुता समाप्त हो जाती थी और वो ब्रिटिश रेजिडेंट के अधिकाधिक अधीन होता जाता, जो राज्य के रोजमर्रा के प्रशासन में हस्तक्षेप करता रहता था। इसके अलावा इस प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य अंदर से खोखला होने लगता था। अंग्रेजों की दी हुई सहायक सेना का खर्च अधिक, बहुत अधिक था। वास्तव में वह उस राज्य की क्षमता से काफी बाहर होता था। मनमाने ढंग से तय किए गए, बनावटी ढंग से बढ़ाए जाने वाले इस अनुदान के कारण उस राज्य की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न और जनता निर्धन हो जाती थी। ठीक है ना,
जी सर, ध्यान रखना थोड़ा सा। इस सहायक संधि प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भंग कर दी गई, सेना भी खत्म हो गई भाई, लाखों सैनिक अधिकारी अपनी पैतृक जीविका से वंचित हो गए। इसके परिणाम रहे हैं, सहायक संधि के परिणाम रहे हैं, नौकरी खत्म हो गई, सेना टूट गई, वे देश में बदहाली गरीबी फैल गई। इसके अलावा सुरक्षा प्राप्त राज्यों के शासक अपनी जनता के हितों को अनदेखा, उनका दमन करने लगे। क्यों? क्योंकि अब उन्हें जनता का डर नहीं रह गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें अंदरूनी और बाहरी दुश्मनों से रक्षा का वचन दिया था। अंग्रेजों ने क्या दिया था? अंदरूनी और बाहरी दुश्मनों से रक्षा का वचन, इसलिए उनमें अब अच्छे शासक बनने का कोई लोभ नहीं रह गया। ठीक है, इतना में याद रखने हैं भाई। इसके तीन उपाय नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सहायक संधि का नुकसान क्या क्या हुआ, परिणाम क्या क्या हुआ, ये हमने पता कर लिया। ठीक है ना, राजा का आंतरिक मामला, बाह्य मामला सब खत्म, युद्ध लड़ने की चिंता खत्म, आत्मरक्षा का मामला खत्म, है ना। नौकरियां जो सेनाएं थी वो सेनाएं भंग कर दी गई, इसलिए उनको उनको नौकरी चाकरी सबकी चली गई। राज्य में पूरी तरह से बदहाली की स्थिति आ चुकी थी। जनता पर राजा का कोई ध्यान नहीं होता था, क्योंकि राजा को अब यह भी पता हो गया कि अब हमें राजा बनना ही नहीं है, राजा तो कोई और है। दूसरी तरफ सहायक संधि की प्रथा अंग्रेजों के लिए बहुत लाभदायक रही। अब भारतीय राज्यों के खर्च पर एक बड़ी सेना रख सकते थे। देखो अंग्रेजों के लिए क्या फायदा हुआ, अंग्रेजों के लिए अत्यंत लाभदायक हुई। भारतीय राज्यों के खर्च पर बड़ी सेना रख सकते थे, अपने खुद के क्षेत्र से बहुत दूर लड़ाइयां लड़ सकते थे, क्योंकि कोई भी युद्ध होता तो या तो उनके सहयोगियों के क्षेत्र में होता या फिर उनके शत्रु के। वे अपने सुरक्षा प्राप्त सहयोगी की रक्षा, विदेशी संबंधों के मामले पर पूरा नियंत्रण रख रहे थे, उनकी जमीन पर एक शक्तिशाली सेना रखते थे और जब भी चाहे उसे अयोग्य घोषित करके उसका शासन समाप्त कर उससे क्षेत्र को हड़प सकते थे। जहां तक अंग्रेजों का सवाल था, सहायक संधि की प्रथा एक ब्रिटिश लेखक के शब्दों में क्या थी, कोई ब्रिटिश लेखक है उनके शब्द में कहा गया है, अपने सहयोगियों को बकरों की तरह तब तक खिला पिलाकर मोटा रखने की प्रथा थी जब तक वे जिबाह करने के लिए करने के काबिल ना हो जाएं। हां सर, हलाली किया। लॉर्ड वेलेजली 1798-1800 में हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि की। सहायक सेनाओं के खर्च के नाम पर नगद पैसा देने के बजाय निजाम ने कंपनी को अपने राज्य का एक भाग दे दिया। हैदराबाद के निजाम से जब सहायक संधि हुई तो उन्होंने क्या किया, पैसा वैसा तो नहीं दिया लेकिन उन्होंने एक राज्य का अपना हिस्सा दे दिया। 1801 में अवध के नवाब को सहायक संधि के लिए मजबूर किया गया, एक बड़ी सहायक सेना के बदले में नवाब को मजबूर होकर अपना लगभग आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ गया। ऐसे ही इसने भी किया, इसमें रोहिलखंड का इलाका, गंगा यमुना का दोआब आ जाते थे, उसकी अपनी सेना लगभग पूरी तरह भंग कर दी गई। अंग्रेजों को अधिकार मिल गया कि वह उसके राज्य के किसी भी भाग में अपनी सेना तैनात कर सके। ठीक है, बेलाजली मैसूर, कर्नाटक, सूरत के साथ और भी कड़ाई से पेश आया। निश्चित ही मैसूर का टीपू सुल्तान कभी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ, उलट उसे 1792 में अपना जो आधा राज्य देना पड़ा था उसी को वह कभी भूल ना सका। अंग्रेजों के साथ अपने अवश्यम भावी युद्ध के लिए अपनी सेना को लगातार मजबूत बनाता रहा। उसने क्रांतिकारी फ्रांस के साथ गठजोड़ की बात भी चलाई, एक ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ बनाने के लिए अफगानिस्तान, अरब, तुर्की को भी अपने तुर्की में भी अपने दूत भेजे ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ बनाने के लिए। ब्रिटिश सेना ने 1799 में टीपू पर हमला किया, एक संक्षिप्त मगर भयानक युद्ध के बाद फ्रांसीसी सहायता पहुंचने से पहले ही उसे हरा दिया गया। आधा राज्य अंग्रेजों उनके सहयोगी निजाम के बीच में बढ़ चुका था, तीसरे वाले में ही। मैसूर राज्य का शेष भाग उन राजाओं के वंशजों को वापस दिया गया जिनसे हैदर अली ने राज्य छीना था। नए राजा को मजबूर करके एक विशेष सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए। गवर्नर जनरल आवश्यकता समझे तो राज्य का शासन खुद संभाल ले, वास्तव में मैसूर का को कंपनी पर पूरी तरह आश्रित बना दिया गया। 1801 में लॉर्ड वेलेजली ने कर्नाटक के पिट्ठू नवाब पर एक नई संधि लाद दी, उसे मजबूर किया कि पेंशन लेकर अपना राज्य कंपनी को सौंप दे। अब मैसूर से मालाबार समेत जो क्षेत्र छीने गए थे उनमें कर्नाटक को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई, पूरा का पूरा एरिया शामिल हो गया मद्रास प्रेसिडेंसी में। 1947 तक ये जारी भी रही है। इसी तरह तंजौर और सूरत राज्य भी हड़प लिए गए, उनके शासकों को पेंशन देकर किनारे कर दिया गया। सहायक संधि की बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा लिख भी लेना चाहिए। ठीक है, हमको याद रखना है ये जो सहायक संधि है हमारी पहली बार नहीं चालू हुई है। सहायक संधि की शुरुआत भारत में डुप्ले के द्वारा ही की गई थी। 1765 में सबसे पहले अवध ने स्वीकार भी किया था। ठीक है, मतलब कहा जाए तो सहायक संधि का आविष्कर्ता कौन बना, आविष्कारक कौन रहा, डुप्ले। अंग्रेजों ने तो उसको एक स्थायित्व प्रदान किया था। ठीक है, याद रखना है। इसमें आप देखेंगे कई सारे राज्यों को जीता गया और बेलेजली आया हुआ है 1798 से 1805 तक के लिए, नवाब बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया हुआ है। इसके समय की कई सारी घटनाएं, जैसे एक घटना आप सुनते हैं
बसीन की संधि, बसीन की संधि बेलेजली के समय पे ही होती है 1802 में। किसके किसके बीच हुई है? अंग्रेज और बाजीराव सिकंद के बीच में। ओके, और याद रखना अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था मराठा सरदार। ठीक है, बात समझे? इसने, इसकी जो नीति रही है बेलेजली की, बेलेजली की नीति क्या रही है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, या फिर इसको बोलते हैं घेरे की नीति। ठीक है, सहायक संधि, इसने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई, सहायक संधि प्रणाली का इसने प्रयोग किया। सहायक संधि प्रणाली बेलेजली के आने से पहले भारत में ब्रिटिशों के साम्राज्यवाद विस्तार के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। बेलेजली से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। फिलहाल कार्नवालिस नाम याद रखो और जॉन शोर नाम याद रखो। जॉन शोर कौन है भाई? 93 से 98 के बीच में गवर्नर जनरल है बंगाल के। बेलेजली के आने से पहले कार्नवालिस और जॉन शोर ने क्या किया था? हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी उन्होंने। लेकिन जब बेलेजली भारत में आता है तो उसने भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में कंपनी को स्थापित करने का प्रयास करता है। कंपनी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करने के चलते उसने शांति और निष्पक्षता की नीति को त्याग दिया। क्या त्यागा इसने? शांति और निष्पक्षता की नीति को, नीति को त्याग दिया। कौन सी नीति अपनाई? युद्ध नीति का अनुसरण किया। इस समय भारत में फ्रांसीसी का प्रभाव भी बढ़ रहा था, नेपोलियन टिपू सुल्तान का गठजोड़ भी हो रहा था। सहायक संधि अपनाने के लिए प्रेरित किया इनको और ये फिर अपनी सहायक संधि को शुरू किए। ठीक है, सहायक संधि को शुरू करने के पीछे मूल कारण था फ्रांसीसियों को भारत से दूर रखना। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अच्छा एक चीज और याद रखना, जो डोपले ने शुरू किया था वही चीज शुरू की थी क्लाइव ने भी, लेकिन क्लाइव का उतना सारा वो नहीं रहा है प्रसिद्धि, लेकिन बेलेजली की जो रही है वो प्रसिद्धि अच्छी खासी रही। ठीक है ना, सहायक संधि रही, इसके तहत जो भी काम किए गए, हाँ इसमें सहायक संधि में हमने पहले भी बता दिया है सेना रखनी होती थी अंग्रेजों की, वो भी भारतीय राज्य के खर्च पर एक रेजिडेंट नियुक्त किया जाता था। ठीक है, विदेशी संबंध उनके खत्म कर दिए जाते थे और किसी को अपने राज्य में शरण नहीं देना था, ऐसी कुछ चीजें। अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी से मित्रता नहीं रखनी थी। ठीक है, ये सारी चीजें रही हैं। अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने उनको बोला राज्यों को कि बाह्य आक्रमण से हम सुरक्षा भी प्रदान करेंगे, इसके अलावा आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप इन्होंने किया। लेकिन याद रखना सहायक संधि में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं था, बात समझे ना। सहायक संधि जो उन्होंने की थी, उन्होंने बोला था कि बाह्य मामले जो होंगे वो सब हम देखेंगे भाई, आंतरिक मामले में हम आपके किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं। अच्छा, ये सहायक संधि से क्या क्या लाभ हुआ कंपनी को? कंपनी को लाभ क्या मिलता है सहायक संधि से? फ्रांसीसी प्रभाव पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए, पहली चीज फ्रांसीसी प्रभाव पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। सेना के संगठन पर खर्च से कंपनी को मुक्ति मिल गई, कंपनी को लाभ या ब्रिटेन को लाभ। ठीक है, देशी राज्यों की सेना के लिए रखी गई सेना का उपयोग शत्रुओं और क्षेत्रीय शक्तियों को नष्ट करने में किया गया। जो देशी राज्यों की सेवा के लिए रखी गई सेना थी उसका उपयोग किया गया किसके लिए? शत्रुओं और क्षेत्रीय शक्तियों को नष्ट करने के लिए। देशी रियासतें निरस्त हो गईं क्योंकि उनकी सेनाएं भंग कर दी गई थी, मतलब रियासतें एक दूसरे से अलग हो गईं, ध्यान रखना। विदेशी जो संबंध थे वो कंपनी के अधीन हो गए, इससे क्या हुआ? आपसी विवादों का निपटारा कंपनी की मध्यस्थता में किया जाने लगा। साम्राज्यवादी सीमा का विस्तार बिना किसी युद्ध के ही संभव हो गया, अब अपना वो विस्तार कर सकते थे आराम से, क्योंकि जहां पर देखा जाए वहीं पर आंख उठा के देखो अंग्रेज की सेना बैठी हुई है, अंग्रेजों का ही सब कुछ है। रेजिडेंट जो थे वो बाद में आगे चलकर आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप शुरू कर दिए थे। कंपनी के प्रति बढ़ते असंतोष, शत्रुता की भावना को रोकने में सफलता भी मिली।
क्योंकि अभी भी एक नवाब या एक राजा बैठा हुआ है भाई, वही जनता का ध्यान रखेगा। तो जो कुछ होना था वो राजा को देखना था। देशी रियासतों पर लेकिन क्या प्रभाव पड़ा? ये तो कंपनी को लाभ मिला, देशी रियासत पर क्या प्रभाव पड़ा? जाहिर सी बात है, उनकी सेना भंग हो गई थी, उनको पंगु बना दिया गया, तो उनकी विदेश नीति समाप्त हो गई, राज्य में बदहाली की, गरीबी की स्थिति बरकरार हो गई, विदेशी नीति कंपनी के अधीन हो गई, इससे देशी राज्यों में निरस्तीकरण को बढ़ावा दिया गया। मतलब अब शासन जो है नाम मात्र का बनकर रह गया था। ये देशी राज्यों पर, देशी रियासतों पर प्रभाव हुआ इसका। देशी राज्यों द्वारा उठाया गया जो सैन्य खर्च था, उसके चलते रियासतों की हालत भी खराब हुई। परिणाम इसका यह निकला कि राज्य के भूभाग अंग्रेजों को सौंपने पड़ गए। भाई जब खर्चा नहीं दे पा रहे हैं पैसा कौड़ी, तो उनको क्षेत्र देना ही पड़ेगा। इसके अलावा रेजिडेंट जब आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं, तो रियासतों के शासन का भार रेजिडेंट को सौंप दिया गया। सैन्य सुरक्षा मिलने की वजह से शासक वर्ग विलासी भी हो गया। जो शासक थे, अब उनके पास इतनी सारी सेना है, अंग्रेजों का सब कुछ है, शासक करेगा क्या? बस अपना मौज मस्ती करे, नाच गाना देखेगा, है ना, आर्टी पार्टी करेगा, और क्या काम कर सकते, कोई और काम है उनके पास? तो विलासी हो गए। मतलब यह हुआ, उनके स्वाभिमान और उत्तरदायित्व के साथ ही रियासतों की स्वतंत्रता भी समाप्त हो गई। कहा जाए अगर तो मित्र राज्यों को राष्ट्रीय चरित्र की स्वतंत्रता समस्त सम्मानपूर्ण व्यवहार खोकर ही सुरक्षा प्राप्त हुई थी। जो कुछ भी इनको मिला हुआ था, सुरक्षा और रक्षा का दायित्व, वो सब कुछ देशी रियासतों ने अपना हर चीज दांव पर लगाया था, तब इनको सुरक्षा प्राप्त हुई थी। सहायक संधि के आधार पर ही, याद रखना, साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। कुछ राज्यों ने खुद ही स्वीकार किया, जबकि कुछ राज्यों में युद्ध में पराजित होकर स्वीकार किया। कर्नाटक, तंजौर, सूरत, अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया। आप लिख सकते हैं इसको। अभी तक हम सबको पता है कि कुशासन का आरोप सिर्फ अवध पर लगाया गया है ना, तंजौर, सूरत, तंजौर, सूरत, कर्नाटक और अवध, इसके तहत कुशासन का आरोप लगाकर इनको मिला लिया गया। फिर हैदराबाद को सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी 99 में, मैसूर, तंजौर 1801 में, अवध 1802 में, मराठा 3 में, बरार 4 में, सिंधिया को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया था। इनको भी लिख लेना चाहिए ना, 1798 में हैदराबाद, 1799 में मैसूर और तंजौर, तंजौर मतलब जिस पे कुशासन का आरोप लगाया गया था, 1801 में अवध, 1802 में मराठा, 1803 में बरार, 1804 में सिंधिया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? बरार में भोसले हैं, ग्वालियर में सिंधिया हैं, है ना। इसके अलावा अगर देखेंगे क्रम से, 98 में हैदराबाद है, 99 में मैसूर, तंजौर, मैसूर, तंजौर 99 में है, अवध 1 में, 1801 में पेशवा जो मराठा है, 1802 में बरार के भोसले 3 में, सिंधिया 1804 में, और इसके साथ साथ जोधपुर, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर, ये पूरा एक क्रम है। ठीक है ना, एक क्रम के आधार पे इनको ऐसे सजाया जा सकता है। ठीक है भाई, समझ गए? ठीक है जी सर। ओके।